Good afternoon, everybody. So we are here from outside of Anugrah NISD, Ministry of Social Justice and Empowerment. आप सभी का मैं आज के सत्र में स्वागत करती हूँ. आज दूसरा दिन है. इनमें से जो एक डॉक्टर है वो तो अभी अपनी ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करवा रहे हैं, कर रहे हैं, और वो सर्जरी छोड़ के 2:45 बजे यहाँ आएंगे. इसलिए मैंने डॉक्टर केविन को पहला आमंत्रण दिया और मैं इसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ. मुझे बहुत अच्छा आप लोगों से रिस्पॉन्स मिला, एनर्जी मिली, तो मुझे लगा कि हमें ऐसे स्पीकर को यहाँ बुलाना चाहिए, ऐसे रिसोर्स पर्सन को बुलाना चाहिए जो दवाइयों की दुनिया से बहुत आगे जाके आप लोगों को सेहतमंद कर सके. सेहतमंद सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, सेहतमंद मानसिक रूप से भी, स्पिरिचुअल रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी. तो जो मैं डॉक्टर केविन से लगभग 2 महीने पहले ही मिली एक दिल्ली के स्पिरिचुअल कार्यक्रम में, और मैं पर्सनल आपको टेस्टिमनी दे रही हूँ क्योंकि हम अनुग्रह में यहाँ पर केवल उन्हीं एक्सपर्ट्स और रिसोर्स पर्सन्स को बुलाते हैं जिनके क्रेडेंशियल्स हम खुद देख चुके होते हैं. हमें पता होता है कि वो वाकई बेहतरीन हैं अपने फील्ड में. तो जिन दिनों मैं डॉक्टर केविन से मिली उन दिनों लगभग 1-1.5 महीने से मेरे लेफ्ट घुटने में सडनली बहुत पेन था. मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट था घुटने में जहाँ पे बहुत दर्द था, और जब मैं कुर्सी से उठती थी तो काफ़ी देर तक चलने में या गाड़ी से उतरती थी तो चलने में मुझे सडनली बहुत दिक्कत होने लग गई थी. अगर मैं एलोपैथिक औरतों के पास जाती थी तो वो कहते थे अच्छा कैल्शियम खाइए, एक्सरे करवाइए, MRI करवाइए. और उस रिट्रीट में जहाँ मैं डॉक्टर केविन से मिली तो इन्होंने देखा कि मैं थोड़ा चलने में मेरा लड़खड़ा रही थी. वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे डॉक्टर साहब, तो मैंने ऐसे ही डिनर के बाद कहा मैंने सुना है आपके बारे में, तो क्या आप मेरा ये प्रॉब्लम पकड़ सकते हैं कि क्या है, क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है ये, बहुत ही रिनाउंड एक्यूप्रेशरिस्ट है. मतलब आपकी नसों को, आपके हाथों को देख के आपकी कोई भी बीमारी चुटकी, वाकई चुटकी मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट लिया है, बजा के वो ठीक कर देते हैं. दूसरा एक मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं उतने अच्छे से नहीं एक्सपेक्ट कर पाऊंगी. एक है हमारा बाहर का शरीर जो आप देख रहे हैं, एक उसके ऊपर हमारा एस्ट्रल बॉडी होता है जिससे हमारी वाइब्स होती हैं, ये सारा डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करेंगे. तो उस अपनी हमारी एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कैसे जोड़ना है, अपने शरीर को, मन को, आत्मा को हमें कैसे हील करना है. दूसरा ये साइकिक और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, मन के स्तर पे भी, दिमाग के स्तर पे भी, और शरीर के स्तर पे, तीनों स्तर पे कैसे हीलिंग करनी है. जैसे कल डॉक्टर चतुर्वेदी बता रहे थे सिर्फ दवाइयाँ खाते रहने से आपका टेम्पररी ठीक हो जाएगा, पर वो बीमारी का जो कारण शरीर में है या मन में है, दिमाग में है, आपके कहीं थॉट प्रोसेस में है, वो ठीक नहीं होगा. तो डॉक्टर केविन वो उस कारण को निकालते हैं और आपको एक पूरी तरह से जिसे होलिस्टिक हेल्थ या हीलिंग करते हैं. एक आपने शब्द सुना होगा लाइफ कोच, इकोनॉमिक्स के कोच होते हैं, IAS की कोचिंग के होते हैं, हर तरह के एग्जामिनेशन के कोचिंग तो हम बच्चों को शुरू से ही डाल देते हैं ना 5वीं क्लास से. पर हमने से कितने लोगों ने इंक्लूडिंग मी अपनी जिंदगी के कोच के बारे में सोचा है कि हम जिंदगी कैसे जिए, उसमें भी हमें कभी कभी कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है. जब कभी हम धीमा हो जाते हैं या रुक जाते हैं या कोई परेशानियां सामने आ जाती हैं तो कोई हमें गाइड, कोई मेंटोर, कोई एडवाइजर, कोई कोच चाहिए होता है जो हमारे रास्ते की परेशानियों को हटा के हमें संबल दे के, हमें करेज दे के, हमें रास्ता दिखा सके. वो ईश्वर भी हो सकता है और ईश्वर का भेजा हुआ कोई देवदूत या कोई एंजल भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई गाना भी हो सकता है जो आपको कोई नई ऊर्जा दे दे, नई एनर्जी दे दे. तो डॉक्टर केविन ने वो बहुत सारी चीज़ें हैं
तो जब उन्होंने मेरे घुटने का पता किया तो वहीं पर ही खड़े हुए, काफी सारे लोग थे, एक फंक्शन था, उन्होंने वहीं खड़े होके व्हाट डिड यू प्रेस माय हैंड दिस वन, हां उन्होंने मेरी पहले ये उंगली दबाई, फिर पूछा दर्द है, मैंने कहा नहीं। उन्होंने जब ये दूसरी उंगली का एक पॉइंट दबाया तो मैं दर्द से बहुत बुरी तरह चीख गई, क्योंकि पता नहीं वो क्या पॉइंट था दर्द का। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ मैंने पकड़ लिया है आपका कहाँ से क्या लिंक हो रही है नस, तो वो मैं आपकी ठीक कर दूंगी। और दो दिन बाद ही फिर मैंने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया, उन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर दिया और छोटे छोटे वो होते हैं चुंबक मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट थेरेपी जो होती है मैंने तो कभी सुना ही नहीं था, देखना तो दूर की बात है। तो वो मैग्नेट लाए, उन्होंने मेरे ख्याल से 4 या 5 घंटे मैग्नेट लगाए, मतलब चमत्कारिक रूप से अगले दिन से मुझे कोई खिंचाव, कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं थी, जिसके लिए मैं न्यूमलिट खा रही थी और औरतों के पास जाने के लिए सोच रही थी। दैट वॉज वन। सेकेंडली फिर पिछले महीने में एक सप्ताह के प्रवास के बाद जब मैं ऋषिकेश से दिल्ली आई तो मुझे स्टमक में लगातार पेन, जब मैं घर का ही खाती हूँ, बाहर का मैं नहीं इतना भोजन लेती हूँ, तो लगातार परेशानी हो रही थी लगातार। तो दिस वॉज अ प्रॉब्लम आई वॉज फेसिंग, लगातार पेट में दर्द, सब तरह के एंटासिड्स खा रही है, देसी दवाइयाँ खा ली, सब खा ली। एक दिन शाम को अचानक ध्यान आया कि क्या मुझे डॉक्टर केविन को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, फिर मन में आया कि नहीं पेट दर्द है, पेट दर्द के लिए क्या एक्यूप्रेशर चलेगा। फिर भी तकलीफ ज़्यादा थी, मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी, तो मैंने डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट किया। वो फिर स्वाभिमान परिसर में आए और मुझे फिर से उन्होंने यहाँ पे मेरे 3 पॉइंट पकड़े जहाँ पे दर्द दबाते ही मेरे दर्द के मारे बहुत चीख निकल रही थी। 3 पॉइंट्स यहाँ और 3 पॉइंट्स इस हाथ में उन्होंने पकड़े और मुझे कहा कि मैं मैग्नेट लगा देता हूँ, इनको आप दबाइएगा, रात को सोने से पहले हटा दीजिएगा, या आपको दोबारा लगाने हो तो इन्हीं पॉइंट्स पे लगाइएगा। इट इज अनबिलीवेबल कि हफ्ता 10 दिन लगातार पेट दर्द की प्रॉब्लम होने के बाद, इतनी दवाइयाँ खाने के बाद, नेक्स्ट मॉर्निंग तक बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ था ही नहीं। तो ये मुझे पर्सनल अगर एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं आप सबके लाभ के लिए नया नहीं बुला रही। तो आई वेलकम डॉक्टर केविन को अपने बारे में थोड़ा और आपको बताएंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलेंगे और मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि महीने में एक बार या दो बार वो स्वाभिमान परिसर को भी अपना समय दें और बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बाकी लोग हैं जो इतनी सेवाओं का लाभ उठाना चाहेंगे। तो डॉक्टर केविन से वेलकम यू प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाला और हमें सुनने के लिए आप आए। एंड सेकेंड आभा जी, बिकॉज को ज़्यादा तारीफ कर दी उन्होंने, तो उसके लिए बहुत थैंक यू। बात इनकी, जैसे उन्होंने एक रेफरेंस दिया रही कि इस तरीके से हुआ, यही चीज़ शायद मेरे साथ हुई एक बार कि मेरी जो एक्यूप्रेशर की जर्नी, वो कि बेसिकली मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं सिर्फ मेंटल इशूज पर काम करता था, जो इमोशनल इशूज है, डिप्रेशन इशू। थाईलैंड में मैं था एक बार, मैं जिम के अंदर था, तो जिम में मेरे को कुछ स्प्रेन हुआ, सर्वाइकल का जो इशू होता है बेसिकली, बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब चक्कर भी आता है बहुत ज़्यादा, आप एकदम ऐसे फील करते हो दैट यू आर ट्राइंग टू, यू गेटिंग टू फॉल। तो व्हेन आई मेट माय एक्यूप्रेशर गुरु दैट टाइम इन थाईलैंड, मैंने उन्हें बोला बहुत प्रॉब्लम है सर, मतलब नॉट बीन एबल टू गो जिम, आई नॉट बीन एबल टू गेट अप फ्रॉम माय बेड, क्योंकि सर्वाइकल बहुत लोगों को हुआ होगा, जो दिखने में बहुत छोटी चीज़ है बट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देता है। उन्होंने कुछ हल्का सा मेरे को यहाँ पे प्रेस करा हाथ में, कुछ पॉइंट प्रेस करा, एंड विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर अंदर आई वाज बैक टू नॉर्मल। तो ही सेड आप अपना नेक मूव करो चारों तरफ, आर यू गेटिंग एनी पेन, एंड ही वाज प्रेसिंग, वो प्रेस कर रहे थे, एक्टिवेट कर रहे थे मेरे पॉइंट्स को, मेरे का कोई पेन नहीं। एंड ट्रस्ट मी, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई वाज गोइंग टू जिम अगेन, अगले दिन मैं फिर से दोबारा जिम जा रहा था, आई वाज बैक टू नॉर्मल। देन आई गॉट इंटरेस्टेड कि काम कैसे करता है बेसिकली, कि आपको ठीक कर दिया चलो अच्छी बात है, पर अब क्यूरियोसिटी हो जाती है बीइंग अ डॉक्टर पीछे का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अभी तक तो ये होता है सर दर्द होता है या बॉडी पेन होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वी टेक टैबलेट्स, वो एक डिस्प्रिन उठाते हैं और खा जाते हैं, राइट, यही ज़्यादातर होता है बेसिकली, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करता, कहते हैं इमीडिएटली रिलीफ चाहिए। तो
बट वो रिलीफ आपको क्या साइड इफेक्ट्स दे रहा है वो हमें नहीं पता. आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथी या जो मेन स्ट्रीम वेस्टर्न मेडिसिन है, बट वेस्टर्न मेडिसिन का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है. वो ये कि जो भी आप टैबलेट खाते हैं वो पहले आपके ब्लड में जाके मिक्स होती है और फिर उस पर्टिकुलर नर्व पे काम करती है. आई होप आई एम ऑडिबल. आवाज क्लियर है सबको? सर सेटिंग चलिए कोई अच्छा कोई बात नहीं. एक्यूप्रेशर का जो बेसिकली प्रिंसिपल है ये एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है. इसको एक ऑल्टरनेट थेरेपी या ऑल्टरनेट साइंस भी कहते हैं. इट इज फ्रॉम लॉट ऑफ ईयर्स, मतलब मोर देन 200 300 500 ईयर्स से ये एग्जिस्ट करती है और उससे भी शायद पहले से. तो वो लोग इसको इस तरह से लेते हैं जैसे हम बोलते हैं ना कि अब हम उतना ट्रिप पर जाते हैं तो आप कोई भी होता है क्या बोलते हैं डायग्नोस्टिक करो. डायग्नोस्टिक के बाद डिसीज, जो हम डिसीज वर्ड यूज करते हैं वो लोग इसको डिसीज की तरह नहीं लेते. वो ऐसा सोचते हैं जो जोश का प्रिंसिपल है कि हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो करती है. देयर इज एन एनर्जी इन आवर बॉडी जिससे हम सांस भी लेते हैं, हम चलते हैं, हम ठीक रहते हैं बेसिकली. तो जब वो एनर्जी का जो फ्लो है बेसिकली वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो जाता है, वो चीज़ें हमारी बॉडी में अनकम्फर्ट जिसको हम डिसीज भी कह सकते हैं वो पैदा करते हैं. जब भी कहीं ना कहीं बॉडी में एनर्जी का फ्लो, जैसे हार्ट अटैक क्यों होता है, जब मेरे ब्लड का जो फ्लो है वो अगर कहीं ना कहीं इफेक्टेड है आई विल हैव अ सीजर और अ हार्ट अटैक और दिस काइंड ऑफ इशू. सेम थिंग बीमारियों का भी ऐसा होता है. इसलिए जो जैसा मैम ने बोला एक्यूप्रेशर एकदम उनको काबू कर रहा हूँ, मैंने नर्व प्रेस करा और वो ठीक हो गया. तो अगर नर्व हाथ में आ गया और वो राइट पॉइंट हमें मिल गया तब तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको. कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ थोड़ी सी कुछ क्रॉनिक होती है, कुछ एक्यूट होती है, अलग अलग तरह की डिसीज होती है और कुछ मैं सोचता हूँ मेंटल भी होती है ना. बहुत सारी डिसीज ऐसी होती है जो हमारी साइकोलॉजी के साथ जुड़ी है क्योंकि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम ऐसा देखते हैं नॉर्मली जो पीपल हमारे पास आते हैं विद डिप्रेशन या कुछ इस तरह की चीज़ों के साथ तो उनके कई बार फेस पे पिंपल्स हो जाएंगे, बॉडी में वाइब्रेशन हो जाएंगी, कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन अलॉन्ग साइड जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनको हो जाते हैं. तो हम सिर्फ काउंसलिंग करते हैं, मेडिसिन नहीं देते, उनसे बात करते हैं. बात करने के बाद जब उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, उनके डिप्रेशन को ठीक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बाकी जितनी इफेक्टेड चीज़ें थी वो भी क्योर हो गई साथ के साथ. तो वो एक तो उनके मेंटल लेवल क्योंकि सबसे ऊपर गॉड हैज गिवन अस द ब्रेन इसलिए तो सबसे पहले ये इफेक्ट होता है. तो उसके जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी में जाते हैं. स्पेशली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू विमेन, फीमेल बहुत ज़्यादा सोचती हैं कोई भी इशू होता है फीमेल, मैन उतना ज़्यादा सोचते नहीं है उसके बारे में. फीमेल थिंक टू मच तो इसीलिए चाहे वो ओबेसिटी कह लो या किसी भी तरह के शुगर ब्लड प्रेशर या दूसरी जो रिलेटेड डिसीजेज हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती है और वो बॉडी में एज ए टॉक्सिन जाती है वो बॉडी में इफेक्ट करती है. तो ये बेसिकली एक प्रिंसिपल है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो हर चीज़ के लिए हमें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है. उससे क्या है कि क्योंकि एवरी मेडिसिन विल हैव अ साइड इफेक्ट, ये आप लिख लीजिए. चाहे वो जिस प्रीम भी अगर आपकी बॉडी में जा रही है तो वो भी कहीं ना कहीं बॉडी को किसी न किसी तरह से इफेक्ट कर रही है, आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर रही है, डिपेंडेंट कर रही है. जैसे आप नींद की गोलियां खाते हैं, ट्रैंकलाइजर्स लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ स्लीप है उसको डिस्टर्ब कर रही है. तो धीरे धीरे क्या होगा कि जब तक आप वो टैबलेट खाएंगे नहीं आप आपको सोएंगे. एक्यूप्रेशर में हमने बल्कि अभी एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप करा है बहुत रिसर्च के बाद जिसमें हम मोर देन 351 डिसीजेस पे काम करते हैं और उसमें करते कुछ भी नहीं है. एक तो सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना में उसको एक एनर्जी लेवल माना जाता है, इसको डिसीज नहीं माना जाता है. तो सबसे अच्छी बात इसके बारे में ये है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं, जीरो साइड इफेक्ट. आप किसी भी एज में हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, आप छोटे बच्चे हैं, आप बहुत ओल्ड एज में हैं, आप एक्यूप्रेशर ले सकते हैं. क्योंकि इसमें एक्यूपंक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, दो रिलेटेड है, सिस्टर्स हैं. थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि एक्यूपंक्चर में हम नीडल्स यूज करते हैं, नीडल्स भी बहुत इफेक्टिव है. हमने नीडल्स के साथ पैरालिटिक पेशेंट्स को इवन न्यूरो के पेशेंट्स तक को एक मंथ के अंदर क्योर कराया विद इन अ मंथ. मतलब जैसे फेशियल पाल्सी हो जाता है ना, पूरा फेस टेढ़ा हो जाता है, एवरीथिंग वन पोर्शन गेट्स कम्प्लीटली डिस्टर्ब. हॉस्पिटल में गए, उन्होंने बोला गया कि एक वन ईयर में आपका जाके 70% तक रिलीफ मिलेगा.
वो भी आफ्टर वन ईयर वी डिड एक्यूपंक्चर ऑन देम, जो निडल्स इंपॉर्टेंट निडल्स आती हैं और उसका पेन आपको बिल्कुल इफेक्ट बिल्कुल नहीं पता लगता है, तो उस निडल्स के थ्रू हमने उनको वन मंथ में कंप्लीट रिकवरी, 100% रिकवरी, मतलब इतनी रिकवरी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जॉब करती थी तो उनके बॉसेस ने उन्हें बोल दिया कि आप एक्सक्यूज दे रहे हो, तो उस तरह से ये काम करती है। राइट नाउ एक्यूप्रेशर पर आते हैं वापस। एक्यूप्रेशर पे हमारे पास में आपको एडजस्ट होगा एक मैग्नेट होती है, सीड थेरेपी होती है, जैसे मेथी दाना होते हैं और चना होता है, तो बहुत सारी चीज़ों से आप जरूर, अगर मैग्नेट की अवेलेबिलिटी नहीं भी आपके पास तो कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं, मरीडियन जिसको हम बोलते हैं, तो जैसे ये आपका हाथ है, आप सब देख पा रहे हैं, मैं आपको एक बेसिक इसका एक डेमो दे देता हूँ, ये आपका हाथ है। राइट हाथ में हम लोग कैसे लेते हैं, वैसे तो पूरी बॉडी में मरीडियन होते हैं, पैरों से भी इलाज होता है, कान से भी होता है, जिसको ऑरिकुलर या सुजोग आपने सुना होगा। राइट कितने लोगों ने सुना है, किस बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं, आपने सुना है, क्या सुना है आपने थोड़ा बताइए, सुजोग के बारे में सुना है ना, सुजोग कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। अच्छा सो सुजोग इज अ थेरेपी विच कैन बी परफॉर्म ऑन योर ईयर्स एंड ऑन द फुट ऑल्सो, बट हम थोड़ा सा सिंपल रखते हैं इसको, हाथ भी चलते हैं, तो ये जैसे मेरा थंब है, ये थंब है मेरा हेड एंड फेस, दिस इज द फेस रीजन, दिस इज द नेक रीजन, ये हमारा एक नेक रीजन होता है जो गला जिसको बोलते हैं। तो सपोज अगर मेरे को थ्रोट में सपोज कंजेशन हो रहा है ऐसे, तो मैं क्या करता हूँ, एक रिंग होती है, मैं उस रिंग से इसको जस्ट सिर्फ मसाज करता हूँ एंड आई फील रिलैक्स एंड बेटर बैक टू नॉर्मल। तो मैं कई बार हो जाता है विंटर्स हैं, कई बार मॉर्निंग में थ्रोट, तो आई क्योर माई थ्रोट लाइक दैट, तो मेडिसिन नहीं खाता कोई किसी तरह का, कोई अर्थ्रोमाइसिन या कुछ भी ऐसा नहीं, ठीक है। दिस वर्क्स एज योर चेस्ट एरिया ऑल्सो, लंग्स आ गए, वो मैं आपको पूरा एक चार्ट दूंगा, आई गिव यू चार्ट, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आई गिव इट टू यू। हाँ ये आपका हो गया ना सर, हो गया आपका माउथ रीजन, हो गया नेक रीजन, ये नेक रीजन हो गया, यहाँ पर आपके लंग्स आ गए, लिवर आ गया, हार्ट आ गया और स्प्लीन और इंटेस्टाइन यहाँ पर आ गए। तो जैसे कई बार हमें, अब कई बार सबके साथ ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन के इशूज हो जाते हैं, विच वेरी कॉमन है, कुछ ऐसा फूड खा लिया या कम खाया या ज़्यादा खाया, तो हम लोग क्या करते हैं इंटेस्टाइन्स में ना जो सिर्फ इस तरह से प्रेशर देते हैं, एक भी प्रेशर ऑन इंटेस्टाइन्स, तो उससे क्या होता है इमीडिएटली यू विल सी आपको क्लियर हो जाता है आपका सिस्टम, लेफ्ट और राइट यानी दोनों पे काम करता है। सी अंडरस्टैंड एक्यूप्रेशर में क्या है कि अगर मैं राइट और अगर अब क्या है, एक आपकी राइट बॉडी है, एक आपकी लेफ्ट बॉडी है, अब मुझे अगर दोनों पे काम करना है, अब स्टमक क्या एरिया है, स्टमक इज लेफ्ट और राइट, एब्सोल्युटली, सो इन दैट केस आई विल वर्क ऑन बोथ दी हैंड्स। तो जब हम पॉइंट्स लगाएंगे तो आपके लेफ्ट और राइट दोनों पे लगाएंगे। सपोज आभा जी थी, आभा जी के केस में उनके लेफ्ट फुट में प्रॉब्लम थी, तो आई वर्क ऑन द लेफ्ट फुट ओनली, मुझे राइट में काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेफ्ट में सिर्फ मैग्नेट लगाने से क्योर हो गई। अब हार्ट का प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा इशू है, मोर देन 351 डिसीजेस पे हम काम करते हैं इस पर, तो उसमें हम देख लेते हैं कि अगर दोनों पे लगाने की जरूरत है या एक पे लगाने की जरूरत है। मैग्नेट बाहर से ही लगता है, राइट मैग्नेट बॉडी में कहीं किसी ऑर्गन को या किसी चीज़ को अफेक्ट नहीं करता है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोशिश हम ये करते हैं कि जब हम मैग्नेट लगाते हैं आंखों, क्योंकि दिन में आप बहुत सारा काम करते हैं, वॉशरूम्स भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो मैग्नेट कई बार वॉश आउट हो जाते हैं, तो वी ऑलवेज मतलब इस तरीके से इस टेक्निक को बोलते हैं कि आप रात को सोने से पहले लगा लीजिए, मॉर्निंग में जब आप गेटअप करते हैं, क्योंकि रात को जब आप नींद में होते हैं तब चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो रात को होता है, तो इसलिए बोलते हैं आप रात को लगा दीजिए, तो रात को इट्स मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये दोनों लेग्स हैं और ये आपके आर्म्स हो गए, तो दिस इज कॉल्ड बेसिक एक्यूप्रेशर। अगर आप जैसे वैसे से हम ट्रेनिंग भी देते हैं बेसिक एक्यूप्रेशर की, एक प्रॉपर मॉड्यूल है हमारा जिसमें हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट, बट ये एक बेसिक है, तो ये आप घर पे भी कर सकते हैं। तो जो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कि हम हर घर में हीलर रूलर क्रिएट कर लें, एवरीबडी शुड बी अ सेल्फ हीलर, क्योंकि आप पॉइंट लगाने मेरे पास तो बार बार आ नहीं सकते, तो हम आपको एक ही बार में जब फर्स्ट टाइम, लेकिन फर्स्ट टाइम हम इसलिए लगाते हैं आपको क्योंकि पॉइंट जो भी है, जो भी मेरिडियन है, उसको मुझे एक्टिवेट करना पड़ता है, वी हैव टू एक्टिवेट द पॉइंट। हमने उस चाहे एक जिमनी होती है हमारे पास या मशीन होती है, तो
उससे इनिशियल फर्स्ट टाइम हम उस पॉइंट को आपके एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेट करने के बाद उसके ऊपर हम मैग्नेट बांध देते हैं एंड दैट्स इट। आपको 20% जो रिलीफ है, 20-25% रिलीफ आपको फर्स्ट मैग्नेट के बाद ही आता है, कैसी भी डिसीज क्यों ना हो, कैसी भी डिसीज क्यों ना हो आपको। बट हाँ एक चीज़ है, अगर आपको बिल्कुल ही कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत लॉन्ग मेडिकेशन चल रहा है आपका, तो उसमें हम आपको ये सजेस्ट नहीं करते कि आप मेडिसिन को एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि वो बॉडी एकदम ले नहीं पाती है चीज़ों, तो बॉडी के साथ वो चीज़ें मर्ज हो चुकी होती हैं। तो मेडिसिन आप चलते रहिए, सपोज अगर आपको शुगर भी है, फॉर एग्जाम्पल शुगर के मैं आप लोगों को पॉइंट लगा रहा हूँ, तो आप जो अगर मेडिसिन खा रहे हैं शुगर की, आप लीजिए डायबिटीज़ की मेडिसिन, पर धीरे 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 आप देखेंगे कि जब आप पॉइंट लगा रहे हैं तो उस डायबिटीज़ की मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं। इट वर्क्स लाइक मैजिक, मतलब ये इसीलिए वो, क्योंकि अब जिसको नहीं पता उसके लिए तो एक मैजिक है ना कि आपको सर्वाइकल है, आप कितने टाइम से सर्वाइकल के साथ चल रहे हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हैं कुछ हो नहीं रहा, मैंने सिर्फ आपका हाथ पकड़ा और आपको रिलीफ आ गया, और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये टेक्निक, अब क्या होता है कि वैसे हम जाते हैं एक सिटिंग के हम 700-800 रुपये पे करते हैं डॉक्टर, फिर हम केमिस्ट शॉप पे जाते हैं, फिर हम उतने की ऑलमोस्ट मेडिसिन खरीदते हैं, फिर वो मेडिसिन कहीं ना कहीं कभी हमारा स्टमक गड़बड़ कर देगी, कुछ ना कुछ मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट, बट कुछ ना कुछ उससे पॉसिबल हो सकता है। फाइनेंशियली दे आर वेरी हाई, फिर ऑफ कोर्स नाउ इज एवरीबॉडी डजंट इवन अफोर्ड टू गो टू पीपल, भी नहीं कर पा, इसमें एक तो अफोर्डेबल बहुत है, साइड इफेक्ट नहीं है, सब एजेस के लिए है, एंड एवरी यू कैन डू इट एट योर होम। एक बार अगर आपने बेसिक ट्रेनिंग ले ली तो हम एक ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें है ना सबको उसके वीडियो पे ही हम आपको पूरी चीज़ें पूरा मॉड्यूल रन कर देंगे, वो मॉड्यूल हम आपको भेज देंगे एंड मॉड्यूल के साथ हम आपको सर्टिफाई भी करेंगे। सपोज अगर आपकी फैमिली में या नियर एंड डियर अगर आप कुछ भी एक्यूप्रेशर डॉक्टर बनना चाहते हो तो छोटा मोटा इलाज आप कर सकते हो। मैं भी बहुत ज़्यादा क्रोनिक और डिसीजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो बेसिक पेन मैनेजमेंट है, पेन मैनेजमेंट एक ओल्ड एज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नीज पेन होना शुरू हो जाते हैं, बैकबोन में पेन रहता है, लोअर बैक के इशूज आ जाते हैं, तो एटलीस्ट उन इशूज़ को तो आप घर पे कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है एक्यूप्रेशर की कि यह मेंटल फिजिकल इमोशनल तीनों चीज़ों पर काम करता है, कि सपोज अगर आप डिप्रेशन में हैं तो डिप्रेशन के भी एक्यूप्रेशर पॉइंट, आप डिप्रेशन के एक्यूप्रेशर पॉइंट लगा के यू कैन गेट आउट ऑफ डिप्रेशन। It can be called as a magic therapy, because China में आज भी China, Japan में acupuncture, acupressure आज भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर थोड़ा सा क्या है कि because there are a lot of things available, so we not be able to comment upon how it works, you know, how people, I'm still surprised that people don't know about it, you know. But otherwise China and Japan में it's still the best technology so far. हाँ, then we take spirituality also as along with it. जैसे आप healings, have you anybody heard about healings? Reiki या chakras के बारे में किसी ने सुना है? नाम ही सुना है। अच्छा, मतलब कि कुछ होता है, right? क्या होता है किसी को नहीं पता ना? तो मैं आपको short में थोड़ा सा समझाता हूँ, बहुत ज़्यादा time आपका नहीं लूँगा। जैसे हमारी physical body है, वैसे ही ना हमारी astral body है। तो astral body के अंदर जितने हमारे emotions हैं, जितनी feelings हैं, जितनी happiness है, sadness है, वो स्टोर होती है। तो हम जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म है, बेसिकली जो हीलिंग्स हैं, वो आपकी एस्ट्रल बॉडी पे काम करता है। एस्ट्रल बॉडी, उसके बाद एक सीड बॉडी है जिसे आप सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो आपकी सोल है, वो एक थर्ड लेवल है। हाँ, तो एस्ट्रल लेवल पे हम लोग इस तरह से काम करते हैं, जैसे आप शावर लेते हैं बॉडी का, तो कोई मुझे बता सकता है शावर क्यों लेते हैं? हमारे पास इतनी सारी टेंशन है, इतनी एंजाइटी है, इतना स्ट्रेस है, और इतनी नेगेटिविटी हम लेते हैं, कई बार हमारे अंदर नहीं होती, कई हमारे आस पास के लोगों में बहुत नेगेटिविटी होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? एक्चुअली कुछ भी नहीं करते, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करते, तो वही चीज़ें क्या बन जाती है? डिसीज बन जाती है।
क्योंकि वो टॉक्सिन्स हैं, वो टॉक्सिन्स हैं जो मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब मैं बहुत रो रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा हूँ, तो वो कहाँ जा रही है एनर्जी? अंदर स्टोर्ड है ना, हेड से शोल्डर्स पे आपने देखा होगा ज़्यादातर कई बार लोग नेक ऐसे हो जाती है, बेंड हो जाती है, ये जगह ये एरिया बहुत ज़्यादा सॉरो कर जाती है, या ओबेसिटी हो जाती है, अननेसेसरी बोलते हैं बहुत कम खाते हैं, फिर भी हम ओबेस क्यों हैं? ज़्यादातर फीमेल बोलते हैं ना खाती तो मैं बहुत ज़्यादा कम हूँ, क्या प्रॉब्लम है कि फैट क्यों बढ़ रहा है? तो ये रीज़न, तो कहीं ना कहीं तो अटैक करेंगे वो चीज़ें। तो जब हम ये जो हीलिंग्स करते हैं, चक्रास क्लीन करते हैं या ऑरा क्लीन करते हैं, एनर्जीज के साथ बात करते हैं, एनर्जीज को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, यू फील लाइट, यू फील एनर्जेटिक एंड यू फील हेल्दी, हैप्पी आल्सो। सर इज इट द सेम हीलिंग मेडिटेशन? सॉरी हीलिंग मेडिटेशन, हीलिंग सी मेडिटेशन इज वन पार्ट ऑफ हीलिंग, यू कैन से मेडिटेशन इसलिए होता है टू फोकस बेटर, टू कॉन्सेंट्रेट, टू फोकस, टू गो विद इन योरसेल्फ, जैसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन करना। तो कहते हैं ना ज्यादातर बोलते हैं ना आपने अंदर जाके देखो, आप लोग लड़ाई में भी बोल देते हो, आप अपने अंदर जाके देखो, तो उसका मतलब यही है कि इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं कैसे जब मेडिटेशन के थ्रू ही जा सकता हूँ ना, सिट बैक एंड रिलैक्स, मैं आउटर वर्ल्ड से अपना फोकस हटा दूँ, देन ओनली आई कैन गो इनसाइड, तो वो उसके लिए ज़रूरी होता है। बट ये भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, इससे भी वो गोल अचीव करे जा सकते हैं जो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, रिमूव करना अपनी नेगेटिव एनर्जीज को, क्योंकि जब मैं मेडिटेट करता हूँ तो मेडिटेट का सोल फोकस क्या है, कहीं कनेक्ट होगा, कनेक्ट होगा तो क्या मिलेगा, हम लोग क्या करते हैं, बोला मैजिक हो गया मेरे साथ, अब ये मैजिक क्यों हो गया, बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी अ स्पिरिचुअल पर्सन, इनका बिलीफ हो गया, इनको मुझ पर बिलीव हुआ, तो बिलीफ सिस्टम ने बहुत काम किया। जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत काम करता है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने थोड़ी सी हीलिंग डाली, मतलब एनर्जी डाली जो मेरे हाथ में थी, एंड देन आई प्रेस द पॉइंट। अब एनर्जी डालने के बाद मैंने प्रेस करा तो उसने 200-300% ज़्यादा काम करा बॉडी से, आपको समझ गए? तो इसी मैंने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा है वो है सानिध्य, सिंक्रोनाइजिंग साइंस विद स्पिरिचुअलिटी, कि हम चाहते हैं साइंस को भी साथ लेके चले, क्योंकि साइंस है तो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी है तो साइंस के फार्मूलाज काम करते हैं, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, जो अध्यात्म है या साइंस है ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, एक कॉइन के जैसे फ्लिप साइड होता है, टू वेज ऑफ अ कॉइन, ये उस तरह से काम। तो व्हेन वी वर्क विद अ पेशेंट माइंड, हम लोग कोई मेडिसिन नहीं देते, कोई टैबलेट्स प्रिस्क्राइब नहीं करते, कुछ भी नहीं, हम आपसे बात करते हैं, बात करने से ही बहुत सारी चीज़ें लेट गो हो जाती है बॉडी से, जब आप काउंसलिंग सेशन से। अमेरिका में 90% लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, हमारे जैसे लोगों को थेरेपिस्ट बोला जाता है जो साइको एनालिस्ट है, 90% पीपल, क्योंकि हम सबके अंदर कुछ कुछ भरा हुआ है फैक्ट। कितने लोग अग्री करते हैं मेरी इस बात में? सभी करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे अंदर भरा हुआ है जो हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने हस्बैंड्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपनी वाइफ के साथ शेयर नहीं कर सकते, और अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वो कहाँ निकलेगा चाहिए? अब वो क्या होता है वो ना, इट गिव्स अस लॉट ऑफ पेन, कभी रोने का मन करता है, कभी बर्स्ट डाउन होता है, कभी हम चीखते हैं, यल करते हैं, अपना गुस्सा कहीं भी निकाल देते हैं जाके, है ना, और कुछ नहीं होगा तो रिक्शा वाला से ही लड़ जाएंगे, मतलब क्योंकि हमें पता है, क्योंकि जहाँ पे बस चलेगा वही करेंगे जो सुन लेगा बेसिकली, यही कर। पर क्या ये सोल्यूशन थोड़ी, किसी को बस्ट आउट कर देना या ब्लास्ट कर देना कोई सोल्यूशन थोड़ी है, ये कोई परमानेंट चीज़ थोड़ी है। तो परमानेंट चीज़ क्या है बेसिकली, टू वर्क ऑन माइंड, कि मेरी एनर्जी जो है, इसलिए हम चक्रास बोलते हैं, बॉडी में 7 चक्र होते हैं, इसका भी हमारा कोर्स है, तो हम चक्रास पे काम कैसे करें, उनको बैलेंस कैसे करें। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत रोने का मन करता है, बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है, हमें समझ नहीं आता इतना क्यों रोना चाह रहे हैं, पर उसमें क्या होता है, जो हमारा अना आता है, मतलब जिसको हम हार्ट चक्रा बोलते हैं, इसका मतलब वहाँ पे इमोशनल लीकेज ज़्यादा है, इमोशनल लीकेज ज़्यादा है, तो मैं अननेसेसरी आई विल ट्राई टू क्राई, है ना, कोई बार मुझे सीजन नहीं समझ आ रहा पर रोने का मन कर रहा है, ऐसा होता है ना, बहुत सबके साथ होता होगा, तो
उस पर हम जब सपोज मैंने इस पर काम करा उस चक्र को सील कर दिया तो वहाँ पे वो एनर्जी का जो फ्लो था वो बंद हो गया तो वो ऑटोमेटिकली यू विल फील हैप्पी। इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। एक्यूप्रेशर में मतलब बाकी अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो तो
एक्सरे में सिर्फ ये पता चल जाता है कि किस पॉइंट पे क्या चीज
इफेक्ट कर रही है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है जिसको आप बहुत लंबे टाइम से लेके चल रहे हैं, उसमें हम भी कहते हैं कि एक्सरे एडवाइजेबल है, क्योंकि एक्सरे आपको एक क्लियर पिक्चर दे देता है कि कहाँ पर हमें इलाज करना है, कहाँ पर ट्रीटमेंट करना है। अब इनको पे इनके पॉइंट क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि इनके पॉइंट्स अब मुझे एक्टिवेट करने पड़े, क्योंकि 3 साल से ये इस इशू को लेके चल रहे हैं। ये 5 मिनट का होता ना जब तक चीख मार दी थी, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। अब आपको मुझे एक बार प्रॉपरली आपके साथ बैठना पड़ेगा, अपनी मशीन के साथ आपके पॉइंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, पहले डिस्कवर करना पड़ेगा, फिर ये आपका चला जाएगा 3 सिटीज, 3 या मैक्सिमम 4 सिटीज में आपका ये चला जाएगा। भुट्टे में मतलब क्या हुआ है वो दूसरी जगह पहुंचे, क्या भुट्टे में क्या है घुटने की जो नर्व है ना वो कंप्रेस है, तो क्या होता है नर्व जो खींचती है तो उसमें फिर पेन होता है, तो वैसे नॉर्मली नहीं होता घुटना है उल्टा वाला, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ अलग से भी बैठता हूँ, आपको ठीक करके भेजेंगे, आई प्रॉमिस। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई हैव ग्रेट प्लेजर इन वेलकमिंग डॉक्टर अतुल गुप्ता। ही इज अ सीनियर फैकल्टी मेंबर एंड एक्सपर्ट फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड सीपीआर ट्रेनिंग। हम अनुग्रह की ओर से सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि मैं कह रही थी कि सर अभी सर्जरी में लगे, आप प्लीज प्रेजेंट करिए, आगे से जाइए सर को प्लीज प्रेजेंट करिए, दो तरह का धन्यवाद करते हैं। और सर हमारे को आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिखाने वाले हैं, जो आपके घर में आपके अपने लिए और परिवार के लोगों के लिए बहुत काम आएगी। मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता पेशे से न्यूरोसर्जन डॉक्टर हूँ और जगह जगह मैं ऑपरेशन कराता हूँ, साथ ही जो न्यूरोसर्जन के डॉक्टर हैं उनका काम कि वो लोगों के क्रिटिकल चीज़ों के साथ लगे रहते हैं, तो जो बेसिक लाइफ सपोर्ट और इसके बारे में जानकारी है वो रोशी के डॉक्टर ही सबको देते हैं, इसलिए मैं आज आपके सामने यहाँ पर मैं आप सबसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने घर अपने आसपास कहीं किसी व्यक्ति को मरते हुए देखा है, तो उस टाइम पर आपके दिमाग में एक फीलिंग आई होगी कि क्या मैं इसे बचाने के लिए कुछ कर सकता था, या अगर आप में से किसी को सीपीआर आता है तो किसी ने वो किया होगा, तो मैं आपके एक्सपीरियंस आपके शेयर करना चाहता हूँ। सब बता नहीं कर पाएगी। अच्छा, जब देर में मतलब वो चलेगा, तो बेसिकली जब आप मैं कहना चाहता हूँ, जब किसी के परिवार में किसी के दोस्त या किसी के जानने वाले की जब डेथ होती है तो हमारे सबके अंदर एक खाली पर आता है, एक डिप्रेशन का भाव आता है कि हम इसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके, अगर हम इसे बचाने के लिए कुछ कर लेते तो ये व्यक्ति आज जिंदा होता, हमें छोड़कर जाता। तो जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हम जो ये फीलिंग है कि मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, उससे आगे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं और हम सब ये कर सकते हैं, इसके लिए डॉक्टर का होना जरूरी नहीं है। हर एक व्यक्ति जो जिस वक्त किसी व्यक्ति की सांस टूटती है, दिल की धड़कन बंद होती है और वो बेहोश हो जाता है, उस टाइम पे जो उसके पास खड़ा है वही उसका सेवियर है, उसको बचाने वाला, उसका रक्षा करने वाला वही व्यक्ति है। तो इसे करने के कुछ तरीके हैं, मैं आपको व्यवहार तरीके से वो तरीके आपको बताऊंगा। पहली बात आपको समझनी होगी कि जब कोई बेहोश होता है तो किसी के दिल की धड़कन चलनी बंद हो जाती है,
तो हमारे पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम होता है। अगर 3 मिनट के अंदर हम उसके दिल की धड़कन को दोबारा तेज कर दें, उसके सांस को चला दें, तभी वो व्यक्ति दोबारा जिंदा होते हमारे साथ ठीक प्रकार से कार्य आरंभ होता है, नहीं तो वो कोमा में वेजिटेरियन स्टेट में चला जाता है। तो इसमें जो स्पीड है, स्पीड इसका सबसे इम्पोर्टेंट इसका मुद्दा है कि किसी को बचाने के लिए हमें समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। जो व्यक्ति मौके पर है ये उसका काम है कि वो पूरी स्पीड के साथ जो इसके स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को फॉलो करें और बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। आमतौर से क्या देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति बेहोशी की हालत में सड़क पर, घर पे या पार्क में, मार्केट में मिलता है तो लोग क्या करते हैं, उसे बिठा के पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, जब उसके मुंह में पानी के छींटे मारते हैं, जब कुछ लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं जिससे कि समय की बर्बादी होती है और कुछ नहीं होता। आपको ये जानना जरूरी होगा कि आपको ये सब नहीं करना, आपको सिर्फ उसे बचाने के लिए जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स का पालन करना है। हमारी दुनिया की आबादी कोई 500-550 करोड़ है, इसमें से 2 लाख लोग रोज मरते हैं। तो अगर हम ये CPR की ट्रेनिंग खुद सीखें, औरों को सिखाएं, उन 2 लाख लोगों में से काफ़ी लोगों की हम जान बचा सकते हैं। तो अब मैं इसके स्टेप्स पे आ जाता हूँ। पहला स्टेप उसे बोलते हैं सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति आपके अंदर फंस गया है, पानी में डूब रहा है और कोई बर्फ के अंदर फंस गया है, या किसी को बिजली का झटका लग के बिजली के तार से चिपका हुआ है, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उस टाइप पे आपको इमिडिएटली भावुक होकर आग में नहीं कूदना है, पानी के अंदर नहीं कूदना है, आपको तैरना आता नहीं आता, आप उसे बचाने के लिए गए वो तो बचानी आपकी जान चाहिए। तो आपको पहले पुलिस को और ट्रेन पर्सन को फोन करना होगा कि भाई यहाँ पे ये व्यक्ति आग लगी है, इसे आग से बाहर निकाल दें, इसको पानी से निकाल के से किनारे पे ले आए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उसे सड़क से उठा के साइड पर जो हमारी पेमेंट है पेमेंट पर रखते हैं, आप बचाने की कोशिश पेमेंट पर करेंगे ना कि सड़क पर। किसी को बिजली का कट लगता है तो जब तक मेन मीटर बंद नहीं करेंगे तब तक आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे। आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि एक को बचाने के चक्कर में कई लोगों की जान चली गई। बिजली के साथ भी ऐसा होता है, करंट लगाओ तो बचाने की कोशिश करते हैं, वो तो बचता नहीं, हम चले जाते हैं। तो जैसे कोई ऊपर से नीचे कूद रहा है, उसे पकड़ेंगे नहीं, जो कॉल था फायर ब्रिगेड आएगी, वो उसे नीचे लेके आएगी, नीचे लेने के बाद उसे बचाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, इसे बोलते हैं सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी के बाद दूसरा काम करना रिस्पॉन्सिवनेस है। जो व्यक्ति गिरा हुआ है, बेहोश है, आप उसके पास जाएंगे और उसके पास जाके बोलेंगे आप ठीक हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसके सामने की तरफ आएंगे, सामने की तरफ आके हल्के से उसे पैक करेंगे, पैक करके पूछेंगे। अगर वो आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति बेहोश है, पहली बात। उसका सांस चल रहा है नहीं चल रहा आपको चेक करना है, सांस चलना चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना ढाल उसके व्यक्ति के नाक के पास लेके आना। जब नाक के पास लेके आएंगे तो नाक की जो हवा है वो आपके ढाल पे लगेगी, कान से आपको वो सुनाई देगी और छाती का उठना और गिरना आपको दिखाई देगा। इसे बोलते हैं फील लुक एंड हियर। ये इससे आपको सांस के चलने का पता चलेगा कि सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा, व्यक्ति बेहोश है। जब आपको मालूम चल गया कि व्यक्ति बेहोश है तो उस हालत में आपको क्या करना है, आपको एक्टिवेटिंग द इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम को आपको एक्टिवेट करना है। तो या तो खुद या आसके पास कोई दूसरे व्यक्ति होगा उसे बोलना होगा कि आप एम्बुलेंस वालों को फोन करें। दिल्ली में एम्बुलेंस के किस्म का 3 नंबर है, 102, 1099, 112। इन 3 नंबर में किसी भी नंबर पर फोन कीजिए और एम्बुलेंस वाले से बोलना है कि फला जगह स्वाभिमान परिसर के अंदर एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में मौजूद है और उसका सांस आ रहा है नहीं आ रहा है हमें नहीं मालूम चल रहा है, आप कृपया जल्दी से जल्दी स्वाभिमान परिसर में आए।
और साथ साथ उसको ये भी बताना होगा कि आप अपने साथ हार्ट को चलाने की मशीन होती है उसे ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, अपने साथ दिल को चलाने की बिजली के झटका देने वाली मशीन डिफिब्रिलेटर साथ लेके आए। तो एक बार उसे बताने के बाद आप उससे बोलेंगे कि आपको क्या समझ रहे हैं, ये आपको कन्फर्म करना है कि उसे सही जगह का उसे मालूम है और उसे एमरजेंसी का उसे समझ आना चाहिए। सही जगह का पता चलेगा, एमरजेंसी मालूम चलेगा, तभी वो वहां पर पहुंच सकेगा। ये क्रिटिकल स्टेप कि उससे बोलें कि आप अपनी जो बात कहने गई इस बात का रिपीट करें, तो जब वो उसे रिपीट कर देगा मतलब फिर उसे पूरी बात समझ में आ गई, वो वहां से ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर लेकर मेडिकल हेल्थ केयर जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी आपके पास करें। नेक्स्ट स्टेप है पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट। इसके बाद आपको जो जो विक्टिम जो पीड़ित व्यक्ति है उसको आपको एक हार्ड स्मूथ सरफेस पर डालना है, चाहे आप उसे जमीन पर डालें, चाहे आप ये थोड़ी ये कन्वीनियंस के लिए ना स्टेबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं तो आमतौर पर सब में जमीन पर ही डालना होगा और कुछ मिलता नहीं है जमीन में ही है, ठीक है जी। तो उसे लिटाने के बाद आप उसके एक तरफ खड़े हो जाएंगे, जब खड़े होंगे तो जो आपके हिप्स हैं आपके हिप्स उसकी छाती से ऊपर, अगर हिप्स आपके छाती से ऊपर है तभी आप ठीक प्रकार से उसका अगला स्टेप ले सकते हैं। ये करने के बाद पोजीशन ठीक करने के बाद आपको उसकी एक बार नब्ज देखनी है, पल्स। पल्स देखने के लिए आप जैसे पल्स देखेंगे कहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। जब कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो पल्स यहाँ पे ज़्यादातर होते नहीं है, वो शॉक में होता है, उसका बीपी जब होता है तो पल्स आप गर्दन में देखते हैं, गर्दन में ये आपकी सांस की नली है, इस सांस की नली के साथ ये एक मसल है, इसको स्टेनोग्राफर नाम से जानते हैं, एक मसल है। इन दोनों के बीच में उंगली डालेंगे तो आपको अपनी पल्स फील होनी चाहिए, सब अपनी पल्स एक बार फील करके देख लें, लेफ्ट और राइट दोनों का पल्स। दोबारा समझ लें, सांस की नली साथ में ये मसल, इन दोनों के बीच में उंगली डालेंगे, फील हो रही है पल्स जी। ये बड़ा क्रिटिकल स्टेप है, अगर आपको पल्स फील हो रही है तो इसका मतलब यह कि वह व्यक्ति सिर्फ बेहोश है, तो आपको आगे से कुछ नहीं करना, उसका बायां हाथ इस तरह से 90 डिग्री पर मोड़कर उसको ऐसे कवर दिला के उसका जो बायां हाथ इसके साथ में आ जाएगा, दायां पैर मोड़ कर रखेंगे और आप जो इमरजेंसी मेडिकल टीम आपने बुलाई है उसको आने के लिए बोलिए। अगर आपको पल्स फील हो रही है मतलब उसका दिल चल रहा है तो वो थोड़ी देर में या तो ठीक होगा या उसके अलग खराब होगा, लेकिन उसे जो अगला काम है कार्डियक कंप्रेशन उसकी जरूरत है। मैं नेक्स्ट स्टेप जो इसका मोस्ट क्रिटिकल स्टेप है उस पर आता हूँ। उसके लिए आपको उसकी छाती से कपड़े हटाने होंगे, कपड़े हटाने के बाद ये दो निपल्स हैं, इन दो निपल्स के बीच में ये हमारी ब्रेस्ट बोन जिसे स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम बोन है। तो निपल से नीचे आपको एक हाथ की हील जैसे हील बोलते हैं, एक हाथ की हील उसके ऊपर दूसरे हाथ की हील रख के उंगलियां आपस में ना मिली हुई आपको एक हाथ यहाँ रखना है, फिर दूसरा हाथ इसके पास रखना है, कोहनी आपकी नहीं मुड़ेगी और आपका जो कंधा है, कंधा और आपका जो ब्रेस्ट है ये एक लाइन में होनी चाहिए, इसको एक लाइन में करके हाथ इसको ऐसे कंप्रेशन करेंगे। कंप्रेशन करने में जो छाती है 2 इंच से 2.5 इंच ऊपर होनी चाहिए, 5 से 6 सेंटीमीटर दबनी चाहिए और इसकी जो करने की जो स्पीड है वो 15 से 18 सेकंड के बीच में 30 बार, 1 मिनट में 100 बार आप छाती कंप्रेशन करेंगे, मतलब यू हैव टू डू इट हार्ड, यू हैव टू डू इट फास्ट। अगर आप इस प्रकार से छाती को कंप्रेशन करेंगे तो दिल जो रुका हुआ है चाहे उसके अंदर बिजली का करंट ठीक से नहीं चल रहा है या बिजली का स्टैंड स्टिल हो गया है, इन दोनों कंडीशन में उसका फ्लो दोबारा से शुरू होने का चांस है और इस कंप्रेशन करने से आप उसके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो 30 टाइम्स आपको
और स्पाइन के बीच में आने के बाद ही मैं इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकूंगा। और 20% फ्लो जो ब्लड का हमारा होता है वो हमारे कंप्रेशन करने से वो फ्लो में मिल जाए। कपड़े से स्लिप भी करता है? कपड़े से स्लिप भी करता है। तो यानी जो सोशल एटिकेट्स कर दीजिए, ये करना तो इसी प्रकार से होता है। ठीक है जी सर, अगर हमने ये प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो रिब्स को भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अगर ब्लड लाइन में नहीं कर रहे हैं, नहीं किया, आप साइड में कर रहे हैं तो बिना देखे अगर हमने कपड़े बिना निकाले अगर रिब डैमेज कर सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, उससे आप फायदा करने के बजाय नुकसान ज्यादा। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग द एयरवे। एयरवे मेंटेन करने के लिए ऐसे आजकल जो हम सीपीआर की ट्रेनिंग देते हैं वो हम कार्डिक कंप्रेशन पर ही रुक जाते हैं कि एक व्यक्ति इसी जान को ठीक प्रकार से कर ले तो बहुत है। एयरवे और ब्रीदिंग मैं आपको बता रहा हूँ अपने इस सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप एयरवे ब्रीदिंग का काम कर सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो आप कार्डिक कंप्रेशन तब तक करते रहें जब तक कि एमरजेंसी की टीम वहाँ पर पहुँच पाए। एयरवे के लिए आपको हेड को नीचे टिल्ट करना है, चिन को लिफ्ट करना है। हमारे जो हमारी जबान है, हमारी जबान हमारी सबसे बड़ी किलर होती है, ये हमारे सांस के रास्ते पे गिर जाती है और सांस पे रास्ते पे गिरने के बाद हमारा सांस बंद कर देता है। तो इसको हटाने के लिए हमें सिर को ऐसे नीचे झुकाना होगा और दो उंगली से चिन को लिफ्ट करना होगा, बॉडी को लिफ्ट करना होगा। इसको लिफ्ट करने से हाँ हेड को ऐसे टिल्ट करना है, चिन को प्रयास लिफ्ट करना है। इसे लिफ्ट करने से हमारा मुंह खुल जाएगा, एयरवे हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या पार्क में अपने में या उसने उल्टी करी है तो आपको अपना रुमाल निकालना है, रुमाल को दो उंगली में फंसा के मुंह के अंदर हाथ डाल के जो कुछ भी मोहे चाहिए उस चीज़ को आपको धीरे से बाहर निकालना। कई बार जिस वक्त मरीज बेहोश होता है तो उल्टी भी कर देता है और उसके मुंह में घास फूस कंकड़ पत्थर जा सकते हैं। तो ये एयरवे को मेंटेन करने से पहले आपको इसे साफ करना जरूरी है। ठीक है अच्छा, अब आ गया कोरोना काल। कोरोना के काल में अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके मुंह पे अपना मुंह लगा के इसको सांस दें कोई नहीं देगा, मैं भी आपको एडवाइस नहीं करूँगा। उसके लिए हमने ये मास्क बनाया है, इसे पॉकेट मास्क बोलते हैं। ये अगर आप लोग ले लें बहुत महंगा नहीं है, सस्ता ही है, 350-400 रुपये का मास्क है। अगर ये मास्क लें तो जान बचाने में ये बहुत कामयाब होगा। इसको आपको पेशेंट के मुंह के ऊपर ऐसे रखना है और एक हाथ से इसे ऐसे पकड़ना है, यहाँ पे अपना मुंह लगाना है, सांस देना है। एक मिनट सांस देने में लगानी है, एक मिनट पर सांस छोड़नी है। आपको दो सांस देनी है, दो सांस देने के बाद आप फिर कार्डियक कंप्रेशन पे लग जाएंगे। ठीक है तो एक तो नोज बंद करके अपने मुंह में हवा भर के उसे मुंह लगा के सांस दें, दूसरा तरीका यह है। और तीसरा तरीका ये क्या, मेडिकल के जो लोग हैं या जो पैरामेडिक्स हैं वही कर सकते हैं, इसे अम्बू बैग। इस अम्बू बैग में इस मास्क को लगाकर यहाँ से पकड़ के इसे पंप कर सकते हैं, तो ये सांस देने का एक तरीका होगा। अब सवाल ये आता है, ये कार्डिक कंप्रेशन की 5 सेकंड पूरी करने के बाद आपको दोबारा चेक करना है 6 सेकंड में कि पल्स आगे की नहीं आई। अगर नहीं आई तो आपको ये जो 30-30-30 की साइकिल है ये दोबारा फिर से करनी है, और ये तब तक करनी है जब तक कि एम्बुलेंस ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के साथ वहाँ पर पहुँच नहीं जाए, या आप थक्के टूट जाते हैं या मरीज होश में आ जाते, मरीज का सांस और उसका रेस्पिरेशन आ जाता है, तब तक आप कोई काम करते रहते। अब अगली बात आती है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। आजकल दो प्रकार के आते हैं, उसके जो पैडल होते हैं, एक पैडल जो राइट आपका ये कॉलर बोन है, कॉलर बोन के नीचे इस साइड में रखा जाएगा, दूसरा जो पैडल है वो निप्पल के नीचे लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, और 200 जूल या 360 जूल का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। उसे शॉक देने से जो इरेगुलर हार्ट की एक्टिविटी है वह बंद होकर एक बार सिंक्रोनाइज रेगुलर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, उससे हार्ट आपका ठीक होने से काम होने लगेगा। तो एक शॉक जब
शॉक देंगे, जब शॉक देंगे उस टाइम पर उसकी छाती ऐसे ही खाली होगी, जेली लगाई जाएगी, जेली लगा के एक पैडल राइट साइड में, एक पैडल लेफ्ट निपल के नीचे रखा जाएगा और एक साथ इकट्ठे से प्रेस किया जाएगा। जब प्रेस किया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति पेशेंट को छूए नहीं, क्योंकि कर्ण उसको भी लग सकता है। कितने वोल्टेज होते हैं? 200 जूल या 360 जूल। आजकल 200 जूल का ही शॉक दिया जाता है, 360 जूल पहले दिया जाता था, लेकिन जरूरत पड़ती है तो 360 जूल में काम चल सकता है। ठीक है, तो ये जो आपके लिए जो मैंने आपको चार बातें बताई, सबसे पहले आग से निकाल लीजिए, पानी से निकाल लीजिए, बर्फ से निकाल लीजिए, बिजली का करंट बंद कर दीजिए, सड़क से उठा के साइड में रख दीजिए, और उसके बाद जब सीन सेफ्टी हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कीजिए कि बात होश में है कि नहीं है। अगर उसका कोई जवाब नहीं आता तो आपको एक्टिवेटिंग द मेडिकल सिस्टम को एक्टिवेट करना है। उसके लिए नंबर बताया 102-1099 और 112 इस पर फ़ोन करना है। फ़ोन करके कैसे बोलना है इसके बारे में आपको बता दिया मैंने, कैसे बात करनी है और बाद में कन्फर्म करना है, क्योंकि अगर उसको समझ में नहीं आया फोन आपका बंद हो गया उसको समझ नहीं आया जाऊँ तो जाऊँगा। तो ये प्रॉपर से जानकारी देनी जरूरी है। दोबारा फोन करेंगे तो दूसरा पैरामेडिक उठाएगा, पहले वाली कॉल तो नहीं तो उतना टाइम वेस्ट होगा। तो उसे बोलने के बाद फिर आपको रेस्पिरेशन देखना है कैसे लुक फील एंड हियर, और देखने के बाद अगर सांस नहीं चल रहा है तो सीधा कंप्रेशन पर आ जाएंगे। लेकिन उससे आने से पहले पोजिशन ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट एक हार्ड सर्फेस पर होगा, स्मूथ सर्फेस पर होगा, ताल के हिप्स उसकी छाती से ऊपर होंगे, और उसके बाद फिर उसके चेस्ट के कपड़े उतार के दोनों निपल्स के बीच में एक्सटर्नल ब्रेस्ट बोन के ऊपर एक हाथ रख के दूसरा हाथ रख के आपको कंप्रेशन करना है 15 से 18 सेकेंड में 30 बार और 1 मिनट में 100 बार, और 2 से 2.5 इंच गहरा और 5 से 6 सेंटीमीटर। ऐसे अगर आप करेंगे तो ये रहेगा कि आपने उस व्यक्ति को बचाने के लिए जो काम आप कर सकते थे वो काम आपने कर दिया। अब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए सर अकेले अकेले से काम कर रहे हैं, मैडम का सपोर्ट मिल गया, दो लोग हो गए, अगर दो लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो इस काम को ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। एक आदमी कार्डियक कंप्रेशन कर रहा है 30 मिनट पर, दूसरा व्यक्ति नाक भर के सांस दे रहा है या पॉकेट मास से सांस दे रहा है, 2 सांस देगा और उसके बाद फिर कार्डियक कंप्रेशन शुरू कर देगा। जब यह व्यक्ति थक गया तो जो माउथ से जो सांस दे रहा है ये व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आपके काम कर सकेगा। आप ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आप पेशेंट को सीख दिया दे सकते। ठीक है, 2 रेस्पोर के बाद अभी तीसरा 7 मंथ के बाद जो प्रेग्नेंट पेशेंट है, अगर प्रेग्नेंट पेशेंट को इस प्रकार का कुछ हो जाता है तो उसका जो राइट साइड का हिप है वो आप 9 से 12 इंच ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे कुछ रखेंगे, चाहे आप यहाँ पे पिलो रख दीजिए या कुछ भी हार्ड सरफेस कुछ रखे उसको ऐसे बंद कर रहे हैं, क्योंकि जो यूट्रस है, यूट्रस जब बच्चे लगे बीच में होती है 7 महीने के बाद, वो आपका जो खून का दौरा है उसको यहाँ पर रोकेगा। जब इसको हम 9 से 12 इंच लेफ्ट साइड में करके उठा देते हैं तो खून का दौरा प्रॉपर तरीके से चलता रहता है, और क्योंकि बच्चे के वजह से आपका हार्ट थोड़ा ऊपर आ जाता है तो जो आपके हाथ इंटर मेमरी लाइन से नीचे यहाँ पर के गिर जाते थे उसमें यहाँ पर रुके थे, इंटर मेमरी लाइन के ऊपर हाथ रख के आपको चेस्ट कार्डिक कंप्रेशन देना। ठीक, ये प्रेगनेंसी के अंदर 2 स्पेशल प्रिकॉशंस हैं जो आपको मैंने उसकी जानकारी दी। दूसरा, अगर 1 दिन से लेकर 1 साल तक का बच्चा है उसमें जो आपको कार्डिक कंप्रेशन देने हैं या तो 2 फिंगर से देने या 2 थंब से देने, इस प्रकार से, और उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, 1 साल से 12 साल के बीच में आपको 1 बार से कंप्रेशन देनी है, 2 बार की कंप्रेशन बच्चे के लिए ज़्यादा। इस टॉपिक में कार्डियक कंप्रेशन के अलावा एक दूसरी चीज है फॉरेन बॉडी इन द रेस्पिरेटरी। कई बार क्या होता है, खाना खाते वक्त अगर हम बोल रहे हैं ध्यान से खाना नहीं खाते, खाने की कोई चीज़ हमारी सांस की नली में चली जाती है और
ना तो सांस हमसे लिया जाता है ना उसे बोलता है, यानी यू कांट स्पीक एंड यू कांट ब्रीथ। एक यूनिवर्सल साइन है कि आपका हाथ आपकी गर्दन पर होता है और आप हमसे बोल नहीं पा रहे, आप सांस नहीं ले पा रहे। तो इसको देख के समझना कि इस व्यक्ति के साथ कुछ दिक्कत है, वो एक मिनट या दो मिनट तो सांस नहीं लेगा, उसके बाद वो मर जाएगा, उसे मिर्गी के दौरे पड़ेंगे, कन्वर्जेंस तो फिट्स आएंगे, फिट्स आने का उसे काटे कर चुके। तो मनी मिल गया, तो जैसे ही आपको पता चलता है, जैसे आपको लगता है कि मुझे इसके साथ कुछ दिक्कत है, आप बोले कुछ फंस गया, गर्दन हिलाते तो कहेगा आप फंस गया, तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा आगे बैठ करना है, अपने एक हाथ की हील से तो आप पीछे की जो स्टेबुलर बोन है स्पाइन के ऊपर ऐसे ऐसे दो तीन बार कस के मारो, तो इससे जो चीज उसके गले में फंसी है वो चीज आपकी फोर्स से बाहर। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसे खड़ा करके उसके पीछे से अपने हाथ उसके जो ये यहाँ पे अब्डोमेन का ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे इसे रखे, आपको इसे कस के दबाओ, तो जो चीज फंसी होगी वो चीज बाहर निकल जाएगी। ये तो खड़े हुए होश वाले व्यक्ति के साथ, अगर वो नीचे गिर गया और बेहोश हो गया, ये क्योंकि मैं ये अपनी आंखों से सामने देख चुका हूँ। एक न्यूयॉर्क की पार्टी थी, एक 16 साल की हमारे डॉक्टर की बच्ची थी, और पहले ऐसे कर रही थी हमें समझ नहीं आया क्या कर दिया, थोड़ी देर बाद वो नीचे थी, जो सोया चौक थी उससे गले में फंस गई, नीचे गिरने के बाद उसे कन्वर्जेंस हुए, कन्वर्जेंस होने के बाद उसे हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन डिले हो गया, जो ऑक्सीजन का डैमेज उसके दिमाग में हो रहा था उसका हो चुका था, रही वेंटिलेटर पर कुछ दिन लेकिन बचा नहीं पाए। तो इसलिए क्योंकि मैं बहुत भोगी हूँ, मैंने आंखों से देख रखा है, इसलिए आप अच्छे से बता सकता हूँ कि ध्यान के बी अलर्ट, कि अगर आपको भीड़ में किसी जगह पार्टी में कोई व्यक्ति गले पे ऐसे हाथ रखे जो सांस नहीं ले रहा बोल नहीं पा रहा, आप देखें और उसका लगे थोड़ा सा पीछे कमर पर मार दें या हेमलिश मनोवा जैसे बोलते हैं, जिसका आप पीछे से आए यहाँ से पकड़े और से कस के टोपा करो ऐसे करके, तो वो जो खाने की नली में जो चीज फंसी है वो चीज बाहर आ जाएगी और बच जाएगी। अगर वो बेहोश हो गया नीचे गिर गया तो लेटे लेटे ही उसे एक साइड में ऐसे टिल्ट करके ऐसे मार के उसे निकाल सकते हैं, या सामने से खड़े होकर ऐसे कप्रेस करके उस जो चीज फंसी है उसे बाहर निकालने की कोशिश की जाए। स्टमक है सर, यानी बिटवीन द जो ये रिब केज और जो स्टमक होता है यहाँ पर से, ठीक है। तो यह फॉरन बॉडी निकालने का तरीका है। तो अब यही मेरे हिसाब से कहना है, जो स्टेप मैंने आपको बताए अगर आपको समझ में आ गए ठीक है, अगर किसी के समझने में कोई कमी रह गई तो मुझसे दोबारा समझ। क्लियर ना? देखिए 30 कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 रेस्पिरेशन, देन 30 कंप्रेशन देन 2 रेस्पिरेशन, 1 बाय 1। और मैंने आपको फिर दोबारा बताया, हमारी जो नई गाइडलाइंस आई है ए से की, उसके अंदर कार्डियक कंप्रेशन पर ही जोर दे रहे हैं कि हम एक भी सेकेंड समझते में देर न लगाएं कि एयर वे कैसे बनाना है, ब्रीदिंग कैसे देखनी है, उसका पल्स कैसे देखनी है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपने देख लिया सांस नहीं चल रहा, कार्डियक कंप्रेशन पर। मैं अब तक किसे बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन कराने का पेशेंट को दूसरे उसमें रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया, वहाँ से फोन आया कि ये पेशेंट को कुछ हो रहा है जल्दी आके देखो। मैंने देखा पेशेंट अनकॉन्शियस था, मैंने कुछ नहीं किया सीधा से कार्डियक कंप्रेशन की, आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने 10 या 12 बार कंप्रेशन की उठ के बैठी, यानी कार्डियक अरेस्ट उसे हुआ ही हुआ, कार्डियक कंप्रेशन कर दी गई तो रहे, अगर नहीं की जाती उसमें करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, टाइम इज द सेवियर, टाइम स्पीड इज द सेवियर, अगर स्पीड से काम करेंगे तो बचा। अब मेरा दो कैरी हो सकते हैं, जो घर पे पहली बात जो मैंने आपको बताया, जो आपकी मॉर्निंग आपकी जो प्रेयर्स है, प्रेयर में इन स्टेप को शामिल करें, रोज सुबह एक बार या रोज एक व्यक्ति को उसके बारे में सोचें। दुनिया के अंदर 550 करोड़ लोग हैं, 2 लाख लोग डेली बढ़ते हैं, तो अगर हम अपनी
पूरी ताकत लगा के सबको सिखाने की कोशिश करेंगे तो अभी हमारा एफर्ट कम होगा, लेकिन सिखाएंगे तो कुछ जाने जो दुनिया छोड़ के जा रही है हम उन जानों को जान से
उसमें गोलियों का कोई काम नहीं है क्योंकि उसमें अंदर इंसुलिन बनाने वाले सेल्स होते ही नहीं, खत्म हो जाते। जितनी भी गोलियां हैं शुगर की वो तभी काम करती हैं जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाने वाले सेल थोड़े जिंदा हों। तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बनाने वाले सेल अचानक खत्म हो जाते हैं या जन्म से ही खत्म होते हैं, तो उनमें गोलियों का कोई काम नहीं है। उनको इसीलिए बहुत सारे बच्चों को इंसुलिन स्टार्ट करनी पड़ती है जिनको टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो हमारी सबसे कॉमन डायबिटीज है उसमें लाइफस्टाइल, दवाइयाँ, वेट लॉस हम इन सबसे लाभ करते हैं। बाद में अगर किसी का नहीं कंट्रोल होता तो उसको इंसुलिन दे, ठीक है। तो हम टाइप 2 डायबिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज को कैसे हम कंट्रोल करें। ओल्ड एज में भी टाइप 2 डायबिटीज ही होती है, टाइप 1 डायबिटीज। तो डायबिटीज को ना कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको ध्यान देना बड़ा एक जरूरी है, इसको इग्नोर ना करना। मान लो किसी ने ऐसे ही शुगर चेक करा ली रैंडम, कोई और करा रहा है या कैंप करा रहा है और शुगर ना चेक करा ली और उसकी शुगर हाई है, तो उसको इग्नोर ना करें। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं आपकी मशीन खराब है इसलिए इसमें आई, ठीक है, हमें शुगर लिया, मैंने मीठा ज्यादा खा लिया था तो इसलिए मुझे शुगर आ गया। अगर आपकी बॉडी का सिस्टम ठीक है, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप 1 किलो जलेबी भी खाएंगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी में शुगर है या आपकी बॉडी का सिस्टम ठीक नहीं है तो आप अगर थोड़ा सा भी मिठाई खाएंगे तो शुगर एकदम बढ़ जाएगी। तो खाने से ऐसा नहीं होता कि शुगर एक नॉर्मल लेवल से ऊपर चले और हम कहेंगे कि खाने की वजह से बढ़ गई है फिर बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं। तो उसे इग्नोर ना करें, कभी बाई चांस आपकी शुगर चेक करने में हाई आती है तो प्रॉपर चेकअप कराएं। एक रीडिंग में आप कभी भी पेशेंट को ये नहीं कहते कि आपको शुगर हो गई, दोबारा चेक करते हैं, तीसरी रीडिंग करते हैं, 2-3 रीडिंग में ज़्यादा आती है, 1-3 महीने वाला टेस्ट होता है वो भी हम करते हैं। तो जब ये 2-3 रीडिंग्स मिल के आती है तभी हम शुगर पेशेंट को कहते हैं कि हाँ जी आपको शुगर हो गई। तो अब उसमें अगला सवाल जैसे आपने पूछा कि नॉर्मल लेवल क्या, नॉर्मल लेवल जो शुगर का है वो खाली पेट शुगर 126 से नीचे आनी चाहिए। अगर खाली पेट शुगर आपकी 126 से ऊपर आ रही है तो उसे हम डायबिटीज कहेंगे। और मोर देन 1 ओकेजन, एक पे नहीं, 2 बार कम से कम आनी चाहिए। और भरे पेट, भरे पेट का मतलब है नाश्ते के 2 घंटे बाद, अगर वो 160 से ऊपर आ रही है तो हम, और वो भी 2 बार, तो हम उसे शुगर कहेंगे। तीसरा टेस्ट होता है शुगर को डायग्नोज करने का एच बी ए वन सी, 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है। अगर आपका एच बी ए वन सी 6 पॉइंट से ऊपर आ रहा है तो आपको शुगर है, अगर 6.5 से 6 है तो आप शुगर से पहले वाले स्टेज पे, जिसे हम कहते हैं प्री डायबिटीज, और अगर आपका 5.5 है उससे कम है तो आपको शुगर नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है, कई लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं नहीं हमने तो सर ऐसे ही आप 6 पॉइंट तक कंट्रोल में ठीक है, लेकिन अगर किसी का 6 से 6.5 है तो उसे आप ट्रीटमेंट दवाइयों की जरूरत नहीं है, लाइफ स्टाइल। तो 6 से 6.5 को भी हम शुगर मानते हैं, 5.5 से 6 को प्री डायबिटीज मानते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज भी कर दिया। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया खाने के 2 घंटे बाद, तो मेडिसिन लेनी है हमें शुगर की या नहीं लेनी है? अगर किसी को ऑलरेडी शुगर है जी तो शुगर की मेडिसिन लेके टेस्ट कराएं। अच्छा, लेके टेस्ट। हाँ, अगर किसी को डाउट है कि मुझे शुगर का टेस्ट कराना है कि मुझे है कि नहीं, तब तो वहाँ मेडिसिन का भी रोल ही नहीं। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी मेडिसिन खा रहा है तो मेडिसिन खा के कराएं, वरना पता नहीं चलेगा कि मेडिसिन का इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। सर ये फैक्टर्स कितना कॉम्पेटेबल होते हैं? अब ये जैसे इन्होंने सवाल किया कि हेरिडिटरी फैक्टर्स, हेरिडिटरी फैक्टर्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ में से एक को शुगर है तो आपके बच्चों को 40% चांस है होने का। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों को शुगर है तो आपके बच्चों को 80% चांस है कि आपके बच्चों को शुगर होगी। सर मदर से मदर को होता है 40% मदर का या मदर या फादर दोनों में से किसी को नहीं होता, मदर का या फादर का मदर को, दोनों में से एक किसी को एनीवन एनीवन अगर दोनों को होगा तो 80% हां जी कंफर्म की होगी शुगर 80% आप अगर भगवान की कृपा हो नहीं तो। इसीलिए हम सबसे पहले पेशेंट जब भी आता है तो हम उससे पूछते हैं कि आपके घर में शुगर है किसी के पास,
कई पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं तो भी 30 साल का मुझे कैसे शुगर हो गई। हम पूछते हैं, कहते हैं मम्मी को भी है, पापा को भी है, अंकल को भी है, ठीक है मेरे बड़े बड़े को भी है, कहते हैं देखो फिर आपको जवाब दीजिए आपकी बात। सर ऐसा नहीं देखा कि फैमिली हिस्ट्री डायबिटिक नहीं है बच्चों को शुगर? ये तो बहुत कॉमन है, मतलब अचानक किसी को नहीं है फैमिली में और अचानक शुगर निकल आई, ये बहुत कॉमन हो गया, ये लाइफ स्टाइल की वजह से। कुछ लोगों के होते हैं शुरू थोड़े टाइम तक चलते हैं, तो 4-5 साल की एज में पहुंचे तब आ जाते हैं। तो अब हम इस पे आते हैं, शुगर को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि शुगर को शुरू के 4-5 साल मैनेज करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे बच्चे को हम स्कूल में डालते हैं, अगर वो शुरू के 4-5 साल अच्छा इंटेलिजेंट चल रहा है तो उसका बेस स्ट्रांग हो जाता है, फिर वो आगे भी ठीक चलता है। अगर वो शुरू के 4-5 साल नहीं पढ़ा ढंग से और वो पास होने में भी दिक्कत हो रही है या स्कूल से भी कंप्लेंट आ रही है, तो फिर हमें दिख जाते हैं कि बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा नहीं, ठीक है अब कितना पढ़ जाएगा। तो शुगर का भी यही है, अगर शुरू के 4-5 साल आपने उसको अच्छी तरह कंट्रोल किया तो उसके बेनिफिट्स आपको बाद में मिलेंगे, बाद में चाहे इतना नाम कंट्रोल करो लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं, क्योंकि एक तरह से मेमोरी बन जाती है कि हाँ पहले शुगर कंट्रोल थी तो बॉडी के सेल्स को ध्यान रहता है तो वो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करते। शुगर को कंट्रोल करने के बड़े सिंपल तरीके हैं, दवाइयों का काम सबसे बाद में, ज़्यादातर लोग आते हैं सबसे पहले कहते हैं दवाई लिखो दवाई लिखो दवाई लिखो, कहते सुनो बैठो करो जल्दबाजी ना। तो सबसे पहले है कि परहेज, परहेज से बड़ी कोई दवाई नहीं। पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम लोगों का खान पान बिल्कुल बदल गया। पहले जब हम छोटे होते थे तो कभी कभार बाहर का खाना खाते थे, महीने में एक बार खा लिया तो बहुत बड़ी बात होती थी, या कभी शादी व्यादी भी चले गए तो एक तरह से बहुत बड़ा मौका हो जाता था कि आज तो शादी में खाने को मिलेगा। लेकिन अब तो रोज एक ना एक मील तो लोग बाहर की खाते खाते, कभी जोमेटो से आ जाता है, कभी वो स्विगी से आ जाता है, ठीक है कभी वो पार्टी हो रही है, पार्टी तो आजकल रोज ही होती है। परहेज से बड़ी कोई चीज नहीं है, हम टाइम से खाना खाएं, लिमिटेड खाना खाएं और जंक फूड ना खाएं, मैदे वाली चीजें ना खाएं, घी तेल चिकनाई कम से कम इस्तेमाल करें, मीठा जो भी कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम चॉकलेट्स कम से कम खाएं, और इसके बाद आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 24 घंटे में से एक घंटा अगर हम अपने शरीर को दे दें किसी भी तरीके से, चाहे हम उसमें वॉक कर लें, चाहे हम उसमें योगा कर लें, चाहे हम उसमें साइकिल चला लें, चाहे हम उसमें कोई गेम एक्टिविटी कर लें, कुछ ना वो खेलना पसंद है वो कर लें, कोई भी अगर एक्टिविटी एक घंटा अपने शरीर को दे दें 24 घंटे में तो उसके जो बेनिफिट्स देते हैं वो शायद शुरू के 2-4 साल में नहीं पता लगता, लेकिन बाद में जो उसके बेनिफिट्स देते हैं वो जो करता है उसे पता लगता है। तो एक घंटा एक्सरसाइज या योगा या वॉकिंग या साइकिलिंग या कोई गेम एक्टिविटी लाइक बैडमिंटन टेबल टेनिस कुछ भी, वो प्लस प्रॉपर खाना पीना लाइफ स्टाइल, इन दोनों चीज़ों का रोल 60% है, 60-70% शुगर के मैनेजमेंट। जो पेशेंट इन दोनों चीज़ों को फॉलो करता है उसकी शुगर हमेशा कंट्रोल रहती है। थर्ड नंबर आता है दवाई का, दवाई का काम सिर्फ 20% है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं आगे की दवाई ये लिख दो, बड़ी दवाई लिख दो, अच्छी दवाई लिख दो, स्ट्रॉन्ग दवाई लिख दो, पर दवाई का काम 20-25% से ज़्यादा नहीं है। दवाई भी तभी काम करती है जब ये दोनों चीज़ें हों, लोग डॉक्टर बदलते रहते हैं तो उनकी दवाई से नहीं कीजिए और उनकी दवाई से नहीं कीजिए, हम उनको समझाते हैं कि दवाई बहुत अच्छी लिखी थी पहले वाले डॉक्टर ने भी, आप परहेज नहीं करते सैर नहीं करते आपकी शुगर नहीं होगी, करते फिर वो तीसरा डॉक्टर फिर और नया डॉक्टर ढूंढ लेते हैं। तो ये जो है उनको समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो रोल है वो है एक्सरसाइज और परहेज लाइफ स्टाइल। तीसरी चीज़ है कि अगर आपका बॉडी वेट आपकी हाइट से ज़्यादा है डिस्प्रोपोर्शनेट तो वो भी आपकी शुगर को बढ़ाएगा, वो हर बीमारी को बढ़ाएगा, शुगर को बीपी को, ठीक है
हर हर बीमारी को बढ़ाएगा, फैटी लीवर, किडनी में जोर, तो मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी। तो उसका सिंपल रूल है, आपकी जितनी हाइट है इन सेंटीमीटर्स उसमें से आप 100 माइनस कर दो, उतना वेट होना चाहिए। मान लो आपकी हाइट है 5 फीट या 6, 5 फीट मान लेते हैं, 5 फीट मीन्स 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर माइनस 100 तो आपका वेट 50 के जी, उसमें प्लस माइनस 5 के जी चलता है, ठीक है। तो ये बड़ा एक सिंपल रूल है, आप अपने अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों का वेट ज़्यादा है वो इस हिसाब से अपना चेक कर लें और कितना उनको वेट कम करना है वो। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स 90% ओवरवेट होते हैं और वेट का बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज होने में। जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको किडनी के प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोरोना में भी जिन लोगों का वेट ज़्यादा था उन्हीं को कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आई, वही वेंटिलेटर पे गए जाते, वही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पे गए जाते। डायबिटीज के साथ साथ वेट, डायबिटीज तो है ही अपने आप, वेट भी, लेकिन जिन लोगों का वेट इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर। वेट पे शुरू से ध्यान दें और वेट को कंट्रोल में रखें तो 50% 60% डायबिटीज भी कंट्रोल, ठीक है। देन तीसरा, तो परहेज के बारे में हम बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि शुगर में तो बहुत परहेज करना पड़ता है, आप नहीं ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते, तो मैं आपको बताऊंगा कि शुगर पे ज़्यादा परहेज की जरूरत नहीं है, हम डाइट को बस मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे एक बार में 2 रोटी से ज़्यादा ना खाएं, फिर कुछ लोगों को आदत होती है 3 रोटी खा जाते हैं 4 रोटी खा जाते हैं, तो 2 रोटी से ज़्यादा ना खाएं। अगर आपका पेट नहीं भरता तो आप सब्जी ज़्यादा खा लीजिए, आप सलाद ज़्यादा खा लीजिए, तो उससे आप पेट भरिए, ज़्यादातर रोटी उससे पेट। और जो डायरेक्ट शुगर्स होती हैं वो ना खाएं, जो लिक्विड शुगर्स होती हैं वो ना खाएं, चीनी का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है उनका इस्तेमाल ना करें। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ती हैं, उसकी जगह आप पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, तो ये चीज़ें मॉडिफाई करनी होती हैं, बहुत ज़्यादा परहेज नहीं है। फल ज़्यादातर फल अलाउड हैं, 2-4 फल छोड़ के, वरना 2-4 फल भी आप थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। अब नेक्स्ट रोल जो आता है वो आता है दवाइयों का, कि दवाई अगर लेनी पड़ती है तो कौन सी दवाई ली जाए, कैसे ली जाए। तो दवाइयाँ आप आजकल बहुत मैं कहूँगा कि डिफरेंट तरीके की दवाइयाँ अवेलेबल हैं और मरीज की पूरा बैकग्राउंड और हिस्ट्री लेके हम दवाई सेट करते हैं। और कृपा करके ये मेरा सबसे निवेदन है कि डायरेक्ट केमिस्ट से दवाई शुगर की ना, ये ने नोटिस किया है कि आजकल केमिस्ट भी शुगर की दवाइयाँ दे रहे हैं, उनको किसी को कोई साइड इफेक्ट के बारे में नहीं पता है दवाइयों के, उनको कोई नॉलेज नहीं है कि इस दवाई ने कैसे काम करना है, कहाँ काम करना है। वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एटलीस्ट MBBS डॉक्टर को जरूर दिखाएं, अगर स्पेशलिस्ट को नहीं दिखा सकते तो MBBS को दिखाएं, MBBS को भी नॉलेज होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम हर चीज़ में अच्छी क्वालिटी ढूंढते हैं, हम कपड़े अच्छे पहनते हैं, हम मोबाइल अच्छा खरीदते हैं, हम शादियों में अच्छा पैसा लगाते हैं, मकान में अच्छा पैसा लगाते हैं, तो हम हेल्थ में क्या कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और आजकल तो दिल्ली सरकार ने वैसे भी बहुत फैसिलिटी दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत फैसिलिटी दी है, तो फ्री में भी बड़ी अच्छी अच्छी एडवाइस अच्छे। तो अपने डॉक्टर के पास रेगुलर जाएँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादातर लोग एक बार दवाई लिखवा लेते हैं फिर जाए, हाँ सर लोग भूल जाते हैं वही दवाई चलती है, हाँ और वो शुगर भी नहीं चेक करते, तो ये शुगर भी चेक नहीं करते। तो ये दो चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रेगुलर, या जब भी डॉक्टर कहे तब रेगुलर बेसिस, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें आती रहती हैं, बहुत सारी नई दवाइयाँ आती रहती हैं, बहुत सारी नई रिसर्च आती रहती है, जो सिर्फ एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है, आपको अदरवाइज नहीं पता चलेगा। जो दवाइयाँ हम 10 साल पहले यूज़ करते थे अब वो दवाइयाँ नहीं यूज़ करते क्योंकि उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा थे, लेकिन 90% पेशेंट्स अभी भी वो दवाइयाँ खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बार पर्चा लिखवा लिया और खाते जा रहे हैं। सर शुगर लेवल तो चार्ट के लिए कहते हैं कि वो लेके आइए डॉक्टर के पास, जब भी आपको उसके कितने फ्रीक्वेंसी होना चाहिए शुगर टेस्ट, एक चार्ट बना के वो जब टेस्ट किया, हर पेशेंट का अलग अलग है, जिसकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल चलती है वो अपना 15 दिन में भी एक बार चेक कर ले, ठीक है ना, हाँ महीने में एक बार चेक कर ले, बहुत है। जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती उसे हफ्ते में करनी पड़ेगी ताकि प्रॉपर पता लगे, उससे आपको डायग्नोस करने उससे उससे ट्रीटमेंट करने में आप
पेशेंट का फायदा है क्योंकि उससे पहले लगेगा बीमारी तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, तो उस हिसाब से दवाई चेंज की जाएगी, उस हिसाब से दवाई बदली जाएगी जो लिखनी है। अगर सिर्फ पेशेंट 5-6 महीने बाद पेशेंट विजिट कर रहा है और एक ही बार शुगर चेक कर रहा है तो उससे ट्रीटमेंट का जो डिसीजन है वो इतना अच्छा नहीं ले पाएगा। और आजकल सेल्फ मॉनिटरिंग हम एडवाइस करते हैं, जब से कोरोना आया है तब से सब लोगों ने ये रियलाइज किया और सबके घर में पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल चेक करने वाला, सबके घर में एक बीपी की मशीन होनी चाहिए ताकि घर में बीपी पता लग जाए। सिमिलरली एक शुगर की मशीन भी, अगर घर में किसी को शुगर है तो एक मशीन जरूर होनी चाहिए। ये तीन इंस्ट्रूमेंट आपको अस्पताल जाने से बचा सकते हैं। मान लो किसी को घबराहट हुई, बेचैनी हुई, रात में रात कोई दिक्कत हुई तो आप ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, आप ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए और आप शुगर चेक कर लीजिए। अगर ये तीन चीज़ें ठीक हैं तो 90% आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना आप रात में भागते रहेंगे कि उनको कोई दिक्कत होगी ये देखे चलो। ये तो हमारा मशीन है उसका जो है कैलकुलेशन और तो हम जाके डॉक्टर से यहाँ से करवाते हैं उसमें कितना डिफरेंस है? 10% जो यहाँ से हम चेक करते हैं उसमें 10% लोग आती है, उसमें 10% हायर आती है। जो यहाँ से चेक करते हैं वो बड़ी वेन में से ब्लड लेते हैं, तो यहाँ से चेक करते हैं इसे कैपिलरी ब्लड, तो 10% का डिफरेंस आएगा। आपकी मान लो यहाँ से शुगर आई 100, तो आप उसमें से 10% माइनस कर दीजिए, माइनस शुगर है 90, माइनस प्लस दोनों ही रहेगा या खाली माइनस? अगर यहाँ से चेक कर रहे हैं तो माइनस कर दीजिए, यहाँ से चेक करनी तो एक्चुअल यहाँ वाली शुगर डॉक्टर ठीक आती है, यहाँ वाली शुगर 10% हायर आती है क्योंकि जो वैसे ये बारीक नसों में से ब्लड लिया जाता है ये मोटी नस में से, ठीक है 10% का डिफरेंस है बस, से ज़्यादा नहीं और उस कन्फ्यूजन में ज़्यादा ना पड़े, आप जो आ रहे हैं उसी बच्चों को मानने को ज़्यादा नहीं। नहीं, अगर आपने स्ट्रिप को ठीक तरीके से रखा है वो एक अलग टॉपिक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो स्ट्रिप की डिप्पी होती है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। दूसरी चीज़ है कि जैसे ही आप खोलते हैं तुरंत उसकी स्ट्रिप की बात है तुरंत बंद कर दो, अगर आपने उसे पूरा छोड़ दिया चाहे वो थोड़ा सा ही पूरा हो तो उसके अंदर वो हवा से जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अंदर जाती है वो स्ट्रिप को काट दो, क्योंकि उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है ही है, जैसे उस पर ब्लड पड़ता है और एटमोसफेयर की ऑक्सीजन लेके उससे वो शुगर बढ़ता है तो वो स्ट्रिप्स खराब हो जाती है, अगर जरा से खुली रहेगी या डिग्री टाइट नहीं बन रही तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपकी स्ट्रिप्स सारी स्ट्रिप सेम है। अब तो बहुत एडवांस स्ट्रिप्स आ रही हैं, बहुत क्वालिटी की स्ट्रिप्स आ रही है, तो सारे अस्पताल ग्लूकोमीटर्स पर चलते हैं, बार बार यहाँ से थोड़ी चेक करते हैं, आईसीयू वाले पेशेंट है और उसकी 1 घंटे में चेक कर ली, 2 घंटे में चेक कर ली, तो इसे चेक करते हैं और उसी के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं सारे खराब खराब। तो शुगर मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी को शुगर है मैं एडवाइस करूँगा हर हफ्ते एक बार शुगर अपनी जरूर चेक करें और उसको लिखें, एक रिकॉर्ड बना लें ताकि जब भी डॉक्टर के पास जाएँ तो आप रिकॉर्ड लेके जाएँ, तो उससे आपको भी बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, डॉक्टर को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ पेशेंट वाकई में अपना ध्यान रख रहे हैं। बेस्ट है कि खाली पेट शुगर चेक करें सुबह उठते ही, और दूसरी शुगर आप नाश्ते के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाते ऑफिस में जाते हैं कुछ है तो आप शाम को कर लीजिए, डिनर के बाद कर लीजिए, वो भी खाली पेट और एक खाने का, एक खाली पेट जरूर चाहिए और एक खाने के बाद। रैंडम किस अगर किसी को शुगर है तो उसकी खाली पेट ज्यादा आ सकती है, अगर कंट्रोल नहीं है खाने पीने का तो रोल है, खाने पीने का रोल तो तब है ना जब मतलब आपकी शुगर कंट्रोल हो, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आपकी शुगर खाली पेट भी ज़्यादा आ सकती है, खाने पीने से उसका इतना संबंध नहीं है, और भरे पेट भी ज़्यादा आ सकती है, या खाली पेट ठीक आ सकती है भरे पेट ज़्यादा आ सकती है। लेकिन मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती है, सारा दिन नहीं खाना मिले, एक टाइम खा लिया खा लिया मिल जाता, तो क्या भी शुगर की है मतलब टांगों में कोई दर्द नहीं है और मेरा फिजिकल वर्क मैंने बहुत ज़्यादा है। कायदे से देखो, कायदे से नॉर्मल इंसान अगर एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव है, फिजिकल वर्क कर रहा है तो उसे भूख प्रॉपर लगनी चाहिए, अगर उसे भूख नहीं लग रही तो फिर उसको
इवैल्यूएट कराना चाहिए कि क्यों भूख नहीं लग रही, क्या कारण है। लिवर से रिलेटेड भी हो सकता है, किडनी से रिलेटेड भी हो सकता है, थायराइड से रिलेटेड भी हो सकता है। हिस्ट्री लेनी पड़ती है पेशेंट की, प्लस फिर उसके बाद टेस्ट करने पड़ते हैं, रिजल्ट करते हैं। कई बार साइकेट्रिक कारण भी होते हैं पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट कुछ डिप्रेशन में होते हैं या सबकॉन्शियस माइंड में सारे टाइम सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उनकी भी भूख कम हो जाती है, तो वो भी एक कारण है। तो ये सारी चीज़ें जब डॉक्टर पेशेंट से बैठ के क्वेश्चन करता है, उसके बाद फिर एक फाइनल एनालाइज करके फिर वो कैसे करते हैं, शायद आपको टेस्टिंग जरूरी कराओ। मेरे ख्याल से सवाल पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शुगर एक इतनी कॉमन बीमारी है हमारी सोसाइटी में। आप लोगों के सवाल आगे कुछ ना पूछ डायबिटीज मेलिटस इज द मेडिकल नेम ऑफ शुगर बीमारी, मधुमेह, ठीक है। इसका पूरा नाम डायबिटीज मेलिटस है। वो टाइप 1 भी हो सकती है, टाइप 2 भी हो सकती है, प्रेगनेंसी वाली भी हो सकती है, और भी है। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा क्योंकि वो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। मोटे तौर पर थी जो आप डायबिटीज इंसिपिडस कह रहे हो वो एक डिफरेंट बीमारी है, वो शुगर नहीं है। उसमें पानी से रिलेटेड बीमारी होती है, पेशेंट खूब सारा पानी पीता रहता है वो एक अलग बीमारी, और यूरिन से बाहर पानी निकलता रहता है, उसमें शुगर नहीं है पेशेंट। नाम उसका डायबिटीज उसमें सेम है, लेकिन उसमें सिर्फ पानी की प्रॉब्लम होती है। वो किडनी से रिलेटेड एक बीमारी होती है, वो डिफरेंट बीमारी है, उसमें शुगर नॉर्मल होती है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर शुगर किसी की लो हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। बहुत सारी डेथ हो जाती है क्योंकि जब शुगर एक लेवल से नीचे चली जाए, अगर शुगर 40 से नीचे चली जाए, पता कैसे लगेगा? हाँ, टाइप 1 एक्चुअली हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना, तो इंसिडेंस उतना ही है। टाइप 1 पहले भी इतनी होती थी जितनी अब होती है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि 150 करोड़ का 1% भी लोगे तो कितना होगा। पहले हमारी पॉपुलेशन थी 70 करोड़, उसका 1% कम होता था, अब 150 करोड़ का 1% ज़्यादा लगता है, तो इंसिडेंस उतना ही है टाइप 1 का। शुगर कम होना आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। देखो, भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया ना, उसमें हर चीज़ का ना एक सिग्नल भी दिया है। ज़्यादातर पेशेंट्स को जब भी शुगर लो होती है तो उनको वो सिग्नल्स मिलते हैं। वो सिग्नल्स क्या हैं कि एकदम पेशेंट को घबराहट हो सकती है, ठंडे पसीने आ सकते हैं, ठीक है, धड़कन बढ़ जाती है, धड़कन पेशेंट को महसूस होना, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और पेशेंट को अपने आप कुछ खाने की क्रेविंग होती है कि मुझे फटाफट कुछ खाने लगे, या पेशेंट भूखता है, तो ये ज़्यादातर पेशेंट्स को ऐसे पता लग जाता है। और पेशेंट को भी समझना चाहिए कि अगर ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो अपनी शुगर तुरंत चेक कर ले, नहीं कर सकता तो कुछ मीठा खा ले बाद में कर ले, ठीक है, और डॉक्टर के पास जाए बताने के लिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है सडनली, और इतना टाइम नहीं मिल पाता ये सिम्टम्स डेवलप होने के, तो उनकी वो पेशेंट सीधा अनकॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, और समटाइम्स पेशेंट एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये तो पेशेंट को अपना रेगुलर अगर मॉनिटरिंग, इसीलिए मैं मॉनिटरिंग वर्ड कह रहा था कि मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी मॉनिटरिंग करते रहें तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी टेंडेंसी तो नहीं है लो होने की, ठीक है, या अगर लो होती है तो दिन के किस टाइम पर लो होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, खाने की जो साइकिल है वो बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए, बहुत लंबे गैप्स नहीं होने चाहिए शुगर के पेशेंट को, 4 से 5 घंटे में जरूर खाना है, चाहे थोड़ा सा ही कुछ खाएं, और रात को क्योंकि गैप थोड़ा लंबा आ जाता है तो इट इज़ बेटर कि रात को जब भी आप सोते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा अगर खाना जल्दी खा रहे हैं 6-7-8 बजे तो आप रात को 10-11 बजे सोने से पहले कुछ आधा कप दूध या चाय लेके फिर सोने। सुबह अगर वॉक पे जा रहा है शुगर का मरीज उठ के तो खाली पेट आ जाए, 1 कप या आधा कप चाय या दूध साथ में खा के फिर वॉक पे जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, आपने सवाल किया, उसमें भी खाते हैं उनको बैठा के खाते हैं, अस्पताल नहीं आना वरना, और शुगर लोगों के लिए आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे। तो ये 3 चीज़ें
हमारे पास हो तो हम बड़ी चीज बड़े मुसीबत से बचेंगे। सर ठंडे पसीने से क्या मतलब है? वो बॉडी में ठंडे पसीने बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी में जब भी शुगर डाउन होती है तो ऐसे हॉर्मोन्स निकल बनते हैं जिससे धड़कन बढ़ती है जिससे पसीने आते हैं, ठीक है? तो वो पसीने बेसिकली बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। हमें समझ होनी चाहिए कि जैसे शुगर का पेशेंट है और अगर उसको अचानक पसीने आने शुरू हो जाए तो हमें शुगर चेक करना चाहिए। दूसरा कारण मार्ट भी हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है कि पसीने आ रहे हैं, इसका मतलब ठंडा पसीना हो। हाँ सर, पैर ठंडे होना भी एक सिम्टम है क्योंकि बहुत स्पेसिफिक नहीं है। पैर ठंडे होने का मतलब है कि बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं है। तो बीपी एंड डायबिटीज आर वेरी मच इंटररिलेटेड। नाउ जो जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ये जितनी भी हमारी ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारियाँ हैं जिसमें बीपी, शुगर, किडनी की प्रॉब्लम्स, लीवर की प्रॉब्लम्स, ये सब एक कॉमन सॉइल हाइपोथेसिस आ गया है कि ये सब एक ही जगह से निकलती हैं। किसी किसी को सिर्फ बीपी मिलाता है, किसी किसी को शुगर आता है, ज़्यादातर सब होते हैं, उनका ओरिजिन सबका सेम है। और उन सब के ओरिजिन में अगेन मोटापे का सबसे बड़ा रोल है। अगेन इसमें पाया गया है कि जिनको ये बीमारियाँ हैं उसमें से 70% पेशेंट्स ओवरवेट हैं। तो शायद मोटापा अपने आप में सबसे बड़ी बीमारी है जो इन सब बीमारियों को आगे हाँ प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ तो ये एक बड़ी सोचने की बात है कि हम अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखें, वेट कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज करें तो 90% हम बच के रह सकते हैं। अगर अगर आपका डायबिटिक स्टेटस कंट्रोल में है तो इट इज अलाउड। अगर आपका डायबिटिक स्टेटस कंट्रोल में नहीं है या आपको डाउट है कि मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं है और आपको मीठा खाना है तो आप अपनी आधी चपाती या एक चपाती कम कर दीजिए, एडजस्टमेंट आ जाती है। आपको पता है अगर आपने पार्टी में जाना है या शादी में जाना है तो आप जो लंच वाला मील है उसको हल्का कर दीजिए, लाइट खाइए, क्योंकि आपको पता है शादी में जाने के बाद परहेज नहीं होगा या पार्टी में जाने के बाद परहेज नहीं होगा। तो ये एडजस्टमेंट आनी चाहिए, टोटल पूरे दिन की जो कैलोरीज की एडजस्टमेंट आनी चाहिए। हाँ तो इसमें फिर और चीज़ें भी, तो डाइट तो एक पार्ट हो गया, एक्सरसाइज का अलग पार्ट, दवाइयों का अलग पार्ट, वेट रिडक्शन, हाँ वेट रिडक्शन का अलग पार्ट, तो वो सारी चीज़ें मिल के कंट्रोल होता है। तो डायबिटीज में वेट लॉस क्यों होता है? जब शुरू में डायबिटीज बढ़ जाती है जैसे किसी को पता ना हो 300, 400, 500 तो जो बॉडी के सिस्टम्स हैं ना वो सारे बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, वो बॉडी के सिस्टम वर्क नहीं करते। ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा है लेकिन वो शुगर यूटिलाइज नहीं हो पाती, तो बॉडी के सारे सिस्टम डाउन हो जाते हैं, सारे सेल्स एकदम सुस्त मोड में चले जाते हैं, तो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। और वेट लॉस डायबिटीज़ को डायग्नोज करने का एक बहुत कॉमन सिम्टम है। मतलब बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर पिछले 2 महीने में हमारा 6 किलो वेट कम हो गया, 8 किलो वेट कम हो गया, तो हमें क्या बीमारी है आप चेक करेंगे? तो उनकी शुगर जैसे ही आप चेक करोगे शुगर दिखेगी। तो अगर किसी को अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है तो शुगर एक बीमारी है। जैसे ही हम शुगर कंट्रोल करते हैं वो वेट वापस आना चाहिए। HbA1c मैंने बताया कि वो 3 महीने की एवरेज शुगर दिखाता है। That is more accurate to see the control कि आपका कई बहुत सारे कुछ जैसे लोग कहते हैं कि हमारा कल तक तो कंट्रोल था आज बढ़ गया, यहाँ कहते हैं कि 10-15 दिन पहले थोड़ी बढ़ गई है, अदरवाइज हम महीनों से हमारा कंट्रोल है, सालों से कंट्रोल है, तो फिर हम HbA1c लगाते हैं। तो HbA1c अगर एवरेज बना जाता है, फिर हमें अगर HbA1c किसी का 7 से ऊपर आ रहा है तो दैट मीन्स कंट्रोल नहीं है। डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है HbA1c, कई बार डाउट होता है कि शुगर बॉडी में है कि नहीं, तो HbA1c से भी हम डायग्नोस करते हैं। डायबिटिक पेशेंट के साथ सर क्या लेवल रहता है 3 महीने की शुगर का नॉर्मल? आइडियली 7 होनी चाहिए, 7 या 6.5 टू 7
एचबीए1सी अगर पेशेंट यंग है तो 6.5 की तरह हम एम करते हैं, अगर पेशेंट ओल्ड है तो हम उसको बहुत स्ट्रिक्ट नहीं करते, हम 7 रखते हैं, 7 या 7.1 या 7.2। लेकिन अगर पेशेंट यंग है तो उसकी पूरी लाइफ आगे बढ़ी है तो हम उसको चाहते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहे। ओल्ड एज में 7 से नीचे जो सॉल्वेंट 7 7.1 7.2 इज ओके, बिकॉज़ ओल्ड एज में शुगर को ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने के चक्कर में डाउन भी हो जाती है, और डाउन अगर ओल्ड एज में होती है तो फिर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने के चांस, तो वो रिस्क ओल्ड एज में नहीं लेते। ओल्ड एज के लिए रिलैक्स गाइडलाइंस है, यंग एज के लिए थोड़ी स्ट्रिक्ट। शुगर आ रही है हर डायबिटिक पेशेंट में, वो है अपनी और से उनका चल रही है। हां, वो है डायबिटिक पेशेंट सबसे ज्यादा वजह से आपके चक्कर में है, सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं, इंटरेक्टिव नहीं होना चाहिए वो बात में। तो खैर डॉक्टर साहब का बड़ा अच्छा लेक्चर था, वो लाइफ सेविंग है। हां, वो लाइफ सेविंग है सीपीआर, उसमें कुछ बातें हम सीनियर हो गए डॉक्टर हमें भी याद थी, कुछ उन्होंने जो रिवाइज कराई है कि वो प्रेगनेंसी वाला उन्होंने बताया कि ब्लड पोजीशन के बारे में था, कि ब्लड बच्चे की ब्लड सप्लाई की कराई, वो हमें भी याद नहीं था। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, किस एज पे कितना प्रेशर देना है कैसे देना। हां, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तो खैर बड़ा ही मुश्किल काम होता है, वो ऐसे बड़ा इजी लग रहा है लेकिन जब हम करते हैं सीपीआर तो हमें पता है एक बार गलत सीपीआर करने से रिब्स भी ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, लाइफ सेविंग में सब कुछ जो भी आप कर सकते हैं। अच्छा सर, शुगर कंट्रोल करने के लिए जो बैलेंस डाइट उस पर क्या कैसे होना चाहिए। देखो, बैलेंस डाइट आजकल हम एज ए फिजिशियन तो हम बहुत मोटे तौर पर बताते हैं, हम सबको ये कहते हैं कि आप एक डाइटिशियन से जरूर मिलो, क्योंकि डाइटिशियन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पहले डाइटिशियन को वैल्यू नहीं देते थे लोग, लेकिन अब डाइटिशियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उससे प्रॉपर जो है जैसे आपका खान पान है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में लोग अलग फूड खाते हैं, मिड इंडिया में अलग खाते हैं, राजस्थान में अलग खाते हैं, साउथ इंडिया में अलग खाते हैं, तो सबके अपने उसके हिसाब से, और डेली प्रिपरेशन भी बहुत है। कोई लोग सुबह ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, कोई कुछ खाता है, कोई ब्रेड खाता है, कोई परांठे खाता है, तो उस हिसाब से आपको अपना एक डाइट चार्ट बनवाना पड़ेगा। उसके लिए डाइटिशियन से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना सर, डाइट प्रॉपर डाइट लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं होती है, और मेडिसिन भी खा रहे फिर भी वो समटाइम्स हमको भी लगता है वो प्रॉपर है, आपको भी लगता है वो प्रॉपर है, लेकिन वो डाइटिशियन ही पॉइंट आउट कर सकती है। वो डिटेल में पूछती है ना कि अच्छा आप 8 बजे क्या खाते हैं, जी जी, आप 9 बजे क्या खाते हैं, 10-11 बजे क्या खाते हैं, 12 बजे क्या खाते हैं, तो वो पूरे डिटेल में जो वो एक एक चीज़, और फिर वो उसको मॉडिफाई करेंगे कि आप ऐसे मत करिए, इसकी जगह ये करिए, इसकी जगह ये करिए, तो उससे कंट्रोल। एक्चुअली मैंने ट्रेनिंग लिया था बैलेंस डाइट खाने, उसमें हमें बताया गया था हम छोटे से छोटे चीज़ कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारे को शुगर मिल रही है। शुगर हर चीज़ में, इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं, आप देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन ये इसमें ना हर एक के लिए बैलेंस डाइट हर एक के लिए अलग अलग चीज है। मोटे तौर पर यही है कि हम जब अपनी डाइट खाते हैं तो उसके 3 हिस्से होते हैं, एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है प्रोटीन्स, और एक होता है फैट। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है रोटी, ब्रेड, परांठे, रस, ठीक है, मट्ठी, ये सब चीज़ें, चावल, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। और हमारी पेट पेट भरना है और सस्ती होती है, तो गरीब आदमी तो यही खाएगा, और वही कॉन्सेप्ट मिडिल क्लास में भी चलता है, अपर मिडिल क्लास में भी चलता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है नॉर्मली ये 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डाइट। और एक अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है, उसमें इंडियन जो फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट 64% है ऑन एन एवरेज हर एक इंडियन की डाइट, और प्रोटीन जो होना चाहिए 40% 30% वो सिर्फ 10-12%, और फैट भी 10-12%, जबकि प्रोटीन हमारा हाई होना चाहिए, हम लोग प्रोटीन नहीं खाते। तो अगर हम इस डाइट को भी चेंज करें, सर प्रोटीन इज डाइट में एज से रिलेटेड है, अगर ये ज़्यादा है तो प्रोटीन को कहते हैं कम खाइए, नहीं ऐसे नहीं, बल्कि 30 प्रोटीन है और 30 आप फाइबर, हाँ फाइबर है आप कह लीजिए, ठीक है, तो 40% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, जो कि हमारी डाइट में 64% है, ठीक है, और प्रोटीन कम है, क्योंकि जबकि हमें प्रोटीन बढ़ाना चाहिए। और प्रोटीन आप हर एक का जैसे लाइफ स्टाइल हिसाब से प्रोटीन आप देखिए, प्रोटीन को कौन सी चीज़ें आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, दालें बढ़ा सकते हैं आप, पनीर बढ़ा सकते हैं आप, सोयाबीन बढ़ा सकते हैं
आप अगर नॉन वेज लेते हैं तो आप उसमें रोस्टेड मीट ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, एग इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मिल्क इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मिल्क आप अवॉइड करते हैं काफ़ी लोग, आप फैटलेस मिल्क ले लीजिए अगर आपको शुगर है तो आप फैटलेस मिल्क ले सकते हैं, कर्ड, फैटलेस मिल्क की कर्ड, कर्ड में बहुत प्रोटीन होता है। तो जितना आपका बॉडी वेट है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सब एक बार नोट कर लें बाकी सब जितना याद रहना है, जितना आपका बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन रोज खाना है। अच्छा, अगर आपका वेट 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन खाना है। हमारी डाइट में अनफॉर्चुनेटली 20-25 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन होता ही नहीं अच्छे से अच्छे लोगों की डाइट में। 60 ग्राम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता जल्दी डिग्रेड होगी, इम्यूनिटी कम होगी, बीमारी से लड़ने की शक्ति कम होगी। जितना आपका बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब कई बार किडनी वाले पेशेंट आ जाते हैं कि सर अब आपको प्रोटीन सब बंद कर दिया, मैंने कहा कितना उनका डाइट का एनालिसिस करो, उनकी डाइट में 25 ग्राम या 30 ग्राम प्रोटीन था जो खा रहे थे। तो हम किडनी वालों को जीरो नहीं करते, कभी किडनी वालों को हाफ कर देते हैं, मतलब किसी का 60 केजी वेट है तो उसको 30 ग्राम प्रोटीन खाना ही खाना है, वरना बॉडी की मसल्स आपकी बिल्कुल पतली पड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, बॉडी का सिस्टम ही नहीं चलेगा। हर सेल को प्रोटीन चाहिए, हर सिस्टम को प्रोटीन चाहिए काम करने के लिए। तो सर एक गिलास दूध, एक कटोरी दाल कैसे मेजर करें हम? ये सब अवेलेबल है गूगल पे सर, ये फूड एक्सचेंजेस कहते हैं इनको, दीज आर ऑल अवेलेबल। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, एक कटोरी दाल में 8 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है, मीडियम साइज कटोरी, छोटी नहीं मीडियम साइज। लेकिन दाल में भी तो फर्क होगा, इस दाल में एक तो छिलके वाली रेड दाल में, रेड दाल में सबसे ज्यादा होता है ये, तो माइनर डिफरेंस है मोटे तौर पर, 7-8 ग्राम प्रोटीन आप एक कटोरी दाल में खा सकते हैं। तो आप अगर 2 कटोरी दाल रोज खाएं तो 16 ग्राम प्रोटीन तो आप यही खा सकते हैं, चाहिए 70 ग्राम होगी। ठीक है, जो लोग जैसे बन देखो चाय का ऐसा कहीं कोई नहीं लिखा है कितनी बार पीनी चाहिए कितनी बार नहीं पीनी चाहिए, कहीं कोई स्टडी तो हुई नहीं है, लेकिन हर चीज लिमिट में ठीक है। तो 2 कप पी लीजिए, चीनी मत डालिए उसमें अगर आपको शुगर है, फैट मिल्क मत पीजिए, मिल्क उसमें फैटलेस मिल्क डाल दीजिए या वाइट नट डाल दीजिए, तो मतलब वो चीजें थोड़ा सा कट करके। सर ये क्योंकि वो कन्वर्ट होता है सीधा शुगर में फैट, और वो फैट जमता भी है। एग वाइट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एक एग से आपको 3-4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो लोग एक खाते हैं वो उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। 3-4 ग्राम सर? हाँ, एक अच्छा तो एक रोटी से आपको मिलता है 2-3 ग्राम। सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिल्क मिल्क में दीजिए आप, विदाउट फैट वाला, अगर आप फैट वाला नहीं लेंगे तो जो शुगर कंट्रोल हो जाएगी। कितना प्रोटीन मिल्क में? 100 ml मिल्क में मेरे ख्याल से 8 या 9 ग्राम है। तो अगर आप देख लीजिए अगर एक ग्लास पीते हैं तो एक ग्लास में 300 ml होता है, तो आप 15-20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है एग्जैक्टली। तो और हैंड में याद नहीं आता है, मिल्क एंड कर्ड आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। लोगों को बड़ा पसंद है ना कि नॉन वेज प्रोटीन, नॉन वेज प्रोटीन, बट अब ये बहुत सारी स्टडीज आ रही है, मिल्क एंड कर्ड आर द बेस्ट सोर्स ऑफ डाइजेस्टेबल प्रोटीन, इनका डाइजेस्टिबिलिटी भी सबसे अच्छी है कि प्रोटीन जाके तो डाइजेस्ट भी होना चाहिए। हाँ, मिल्क एंड कर्ड आर द बेस्ट सोर्स ऑफ डाइजेस्टेबल प्रोटीन, इनका जो पीडी का स्कोर कहते हैं उसे, पीडी का स्कोर सबसे बेस्ट होता है। ये कर्ड और मिल्क में बराबर है? बराबर। हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हम लोग एविडेंस बेस्ड पे करते हैं। एविडेंस बेस्ड का मतलब है कोई भी चीज जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी चीज़ हम बताते हैं
उसके पीछे उसके उसको सपोर्ट करने के लिए लंबी लंबी खूब सारी स्टडीज होनी चाहिए। स्टडीज का मतलब है कि 20,000 लोगों में स्टडी हुई, 50,000 लोगों में स्टडी हुई, 1,00,000 लोगों में स्टडी हुई और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से होनी चाहिए बढ़ती। तो ये जो ये आपने बताया इसका मुझे हमारे उसमें नॉलेज नहीं है मुझे कि कोई स्टडी हो ऐसी, बट इसमें कोई हार्म नहीं लगता। आप पीछे तरफ कोई हार्म तो है ही, अपने आप सर ऐसा करके गर्म पानी पेट्रोल को ज़्यादा बढ़ा जाए ठंडे पानी के ऐसा मोटापे को मेटाबॉलिज्म गर्म पानी से बढ़ता है, गर्म पानी से ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बढ़ेगा। मतलब इसमें एनर्जी मेटाबॉलिज्म मतलब तो बॉडी के जो जो एक एक साइकिल बॉडी जो काम कर रही है एक नॉर्मल रेट पर काम करती है, हर एक बॉडी अलग अलग रेट पर काम करती है जिसे BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो आप अगर कोई भी ऐसी जैसे आप एक्टिविटी करते हैं, आप वॉक करते हैं, योगा करते हैं, दौड़ लगाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो आपका BMR बढ़ जाता है। जब BMR बढ़ता है तो बॉडी के जो सारे सेल्स हैं ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, तो मोटापा, हाँ मोटापा कम हो जाता है। तो ऐसे अगर गर्म पानी पीएंगे तो बॉडी के सेल्स थोड़े से ज़्यादा काम करते हैं। मैं आपको उसका लॉजिक बताता हूँ सर। दही में भी सर, दही में उठते ये जितना दही मिल्क में है वो सब मिल्क प्रोडक्ट्स में ही आ गए ना, उतना ही आप 100 ml में अराउंड 1 gram से करीब। छाछ में फैट नहीं होएगा तो अच्छा है। छाछ जिनको शुगर वगैरह है उनका वेट ज्यादा अच्छी है।